ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्टीज जॉइफ सेमिनार। वेस्टीज की जॉइफ सेमिनार में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो मुझे कि मैं वेस्टीज का रीजनल सेल्स मैनेजर शंकोहित गोस्वामी और मेरे साथ मेरी पूरी की पूरी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के टीम हर रोज आपके लिए कुछ अलग अलग प्रोग्राम करते हुए जाते हैं ताकि घर बैठे इस समय को आप वेस्ट न करके बजाय इन्वेस्ट कर सको अपने नॉलेज के ऊपर। और उसी हद तक पूरा का पूरा टीम, पूरा का पूरा वेस्टीज आपके साथ है जो दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं आपको एडुकेट करने में, आपके बिजनेस को स्प्रेड करने में, आपके बिजनेस को बढ़ाने में। नॉट ओनली सिर्फ हम लोग लगे हुए हैं, फॉर द एंटायर वेस्टीज टीम, वेदर इट इज प्रोडक्ट सपोर्ट, वेदर इट इज बिजनेस सपोर्ट, वेदर इट इज बिलिंग सपोर्ट, ईच एंड एवरीवेयर हर चीज में आपको सपोर्ट किया जा रहा है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से वेस्टीज इस पूरी दुनिया में एक ऐसा लौता कंपनी है जिसमें इतना पावर है, इतना दम है कि उसने इस लॉकडाउन के टाइम में भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया जिसका नाम है वेस्टीज का मेटामाइंड। वेस्टीज की मेटामाइंड खाओ और अपना दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर आपके दिमाग को और तेज बनाना है और तंदुरुस्त बनाना है तो मस्ट 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 आपको वेस्टीज मेटामाइंड यूज करना ही है। और दोस्तों, ये एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, लोगों की डिमांड हमारे पास इतने भर भर के आ रहे हैं दोस्त कि लगभग 2 से 3 दिन के, 2 दिन ही हुए हैं और 2 दिन के अंदर नियर अबाउट 2000 से भी ज्यादा बॉटल्स अक्रॉस द इंडिया वेस्टीज से ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, लोगों को इंतजार था ऐसी एक प्रोडक्ट को जिसको इस्तेमाल करके लोग अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के ब्रेन को और भी ज्यादा तंदुरुस्त बना सकते हैं। क्योंकि अगर ब्रेन स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर, आपका मानसिक, आपका शारीरिक हर चीज के ऊपर आपको स्वस्थता मिलेगा। इसलिए ब्रेन को स्वस्थ बनाइए। जिन लोगों ने अभी तक मेटामाइंड यूज नहीं किया, फटाफट जाइए, अपने ऑनलाइन बिलिंग कीजिए या फिर आपके डीएलसीपी मिनी डीएलसीपी में जाइए या फिर आपके ब्रांच में आपके ब्रांच मैनेजर से संपर्क कीजिए। इस प्रोडक्ट को जरूर अपनाइए और इस्तेमाल कीजिए आपके ब्रेन को और भी तेज और तंदुरुस्त बनाने के लिए। दोस्तों, इसी तरह से तो हर रोज हम लोग करते हुए जाते हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए जाते हैं। और शनिवार का दोपहर का 12 बजे, मुझे पता है दोस्त, पूरी आज के डेट में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पे लोग यूज करते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि शनिवार कब आएगा। और जैसे ही शनिवार आ जाता है, लोग हर घड़ी घड़ी को देखते हैं कि 12 कब बजेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि लोगों की जिंदगी में 12 बज जाए तो उसका जीवन का सर्वनाश हो जाता है, लेकिन वेस्टीज में शनिवार का दोपहर का 12 बजता है तो आपके जीवन में नया उजाला आता है, आपको नए चीजों के बारे में जानने को मिलता है। और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया दिल की बात आपके सवालों के साथ। दिल खोल के आप अपने सवाल को पूछिए और दिल खोल के हम उसके जवाब को आपको देंगे ताकि उन जवाब को लेके आप अपने टीम को डेवलप कर सको, अपने आप को डेवलप कर सको, अपने बिजनेस को डेवलप कर सको। और इसीलिए इस प्रोग्राम की अरेंजमेंट हमने किया है जहां पर पूरी जगह से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साथ ही साथ बांग्लादेश, नेपाल से लोग हमें मैसेज करते हैं, हमें मेल भेजते हैं, उनके सवाल पूछते हैं, उनके सजेशंस देते हैं, उनके फीडबैक्स देते हैं कि हम और किस तरह से बेहतर कर सके और किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। आपके कोई सवाल से तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। इट्स ए डायरेक्ट इंटरेक्शन की जगह वेस्टीज ने आज आपके लिए दिया है। और दोस्त, इस प्रोग्राम में सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और 2 जाने माने शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हो। जैसे कि हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं मिस्टर संजीत कुंडू, हमारे सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर, जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड साथ ही साथ पूरी की पूरी नेपाल के बिजनेस को वो संभालते हैं, देखते हैं सेल्स की पार्ट के हिसाब से। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे और एक मैनेजर मिस्टर राजीव शाह, वेस्ट बंगाल के बहरमपुर से, और वो पूरी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके वीआईपीज होते हैं, वीएलसीज होते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग्स होते हैं, यानी कि आपके डेवलपमेंट के काम करते हैं, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट की काम करते हैं। दोस्तों सोचो, आपके पास अभी दो दो मौका है, एक तो राजीव शाह है और दूसरा मेटा माइंड है। मेटा माइंड से दिमाग की पुष्टि बढ़ाओ और राजीव की ट्रेनिंग से नॉलेज बढ़ाओ और दोनों के कॉम्बिनेशन लाजवाब रिजल्ट आपके जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम इन प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जाएंगे हम लोग राजीव के पास और देखते हैं इस हफ्ते ऐसे कौन से सवाल इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए जिसका जवाब हम लोग देंगे अपने दिल से। तो ओवर टू राजीव। थैंक यू शंकुजीत एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इट्स रियली अ प्लेजर, बहुत अच्छा लगता है ये दिन, मतलब ये सवाल का दिन जब आता है तो मेरा मतलब कल से लेके आज तक बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि
सवाल जब आता है तो इसका मतलब आप वो कहावत है ना, हम लोग वीआईपी में सिखाते हैं, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम दैट मींस यू आर वर्किंग, है ना, काम कर रहे हो इसीलिए गलती हो रहा है या इसीलिए प्रॉब्लम भी हो रहा है। सो प्रॉब्लम्स आना बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कभी कभार आपके हाथ में नहीं होते, किसी किसी का अगर दूसरे हाथ में होता, आपके हाथ में होते सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन आइडियाज थोड़ा सा चाहिए होता है कैसे सॉल्व करें या फिर इसके साथ हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं संजीत और शंकुजीत को वेलकम करूंगा सेशन में, एंड ऑब्वियसली तुम दोनों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज तो तुम लोग के ऊपर भर भर के गुगली आने वाले हैं, राइट, क्योंकि पिछले ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग नोट, पिछले दो हफ्ते से जब हम लोग ये सवाल को देख रहे थे तो वी हैव नोटिसिंग ए कंटिन्यूअस ग्रोथ, राइट, ये सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे समझ में आया, कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा जा रहा है लोगों के अंदर से, लोग आर पीपल आर गेटिंग इनटू ए वेरी स्पेसिफिक मोड, जो बहुत अच्छा सिंबल दिखा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे लीडर के साथ। सो आई थिंक दिस सेशन आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कमर कस लो, ताकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी है सब लोगों को आप सही तरीके से गाइड कर सको, एंड यही आशा करके। और आज का जो पहला सवाल मैं करूंगा, राइट, एंड पहला सवाल एक्चुअली उनके पास तीन था, कुछ क्वेरीज वो जानना चाहता था कुछ चीज, एंड इज फ्रॉम आसाम पिनाकी रॉय, राइट, पिनाकी रॉय का क्वेश्चन है, इन्होंने एक्चुअली हमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन भेजे है, मैं आपको एक एक पढ़ के सुनाता हूँ सो दैट यू कैन गेट इन टू दैट पार्ट। पहला चीज है कि वॉट आर द टॉप फाइव थिंग्स शुड आई शेयर विथ एनी वन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, वेस्टीज में जब लोग के साथ जब पहली बार मुलाकात होता है या फिर पहली बार मिलने के लिए जाते हैं, कौन सा पांच चीज है जो चीज हम लोग मतलब लोगों को समझाना चाहिए, फाइव पॉइंट्स, राइट, फाइव टॉप थिंग्स, राइट। सेकेंड सवाल जो पिनाकी रॉय का है, उनका कहना है कि हाउ कैन आई जज द परचेस पावर ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और ए डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, परचेसिंग पावर जो एक कैपेबिलिटी होते है, कैपेसिटी होता है लोगों के अंदर कि वो कंज्यूमर बनाना है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो उसकी जो परचेसिंग पावर है तो उसको हम लोग कैसे जज करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट पिनाकी रॉय का और एक क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन या फिर कौन सा चीज बोलू ड्यूर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग माई प्रेजेंटेशन, राइट, और ये सवाल मतलब इसका सवाल ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं जाऊंगा शंकुजीत के पास, लेकिन उससे पहले हर एक व्यूअर को मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ये सेशन को ना अच्छे से सुनो, क्योंकि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस है, जो कॉमन क्वेश्चंस के हिसाब से ये क्वेश्चन को आपको आंसर मिल जाएगा, राइट, बिकॉज हम लोग क्वेश्चंस अगर रिपीटेशन करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से सुनो, अच्छे से ध्यान लगा के सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने शायद भेजा होगा, राइट, तो उसको रिपीट नहीं करना है। तो मैं शंकुजीत के पास जाऊंगा इस जवाब के लिए। तो शंकुजीत प्लीज इफ यू कैन हेल्प आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स आवर एक्चुअली द बेस ऑफ दिस कंपनी सो दैट वो लोग को और भी अच्छे से काम करने में मजा हो। सो ओवर टू शंकुजीत। डेफिनेटली राजीव, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट पिनाकी रॉय जिन्होंने आसाम से ये सवाल भेजे हैं कि व्हाट आर द फाइव थिंग्स अबाउट वेस्टीज शुड आई शेयर विद एनीवन एट द फर्स्ट टाइम, जब हम लोगों से पहली बार मिलते हैं तो ऐसे कौन से पांच ऐसी चीज है, बेहतरीन चीज है जो हमें बताना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो सके या फिर प्रभावित हो सके हमारे बिजनेस के ऊपर या आपके ऊपर। सर सबसे बड़ी तो बात है कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी आपके साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया है, और प्रभावित लोग होते हैं जब आप उनको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देते हो, कुछ ऐसी चीज बताते हो जिसके द्वारा उनको ये फील आ सके कि हाँ दिस इज माई राइट कैरियर, यहां पर मैं काम करके अपने कैरियर की स्टेबिलिटी ला सकता हूं, यहां पर काम करके जो सफलता मुझे चाहिए वो सफलता यहां पर मिल सकता है, यहां पर मैं उस इंसान के साथ काम कर रहा हूं जिनके साथ काम करके एज ए गुरु एज ए मेंटर वो मेरे को राह दिखा सके, मुझे आगे बढ़ा सके। लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म को चुनते हैं और चॉइस करते हैं।
कोई भी इस तरह के चीज को चुनने के लिए, चॉइस करने के लिए, सबसे पहला उस जमीन को, उस फील्ड को रेडी करना होता है। जैसे कि हमें पता है कि जब हम कोई खेती अगर की काम करेगा, खेती की बात करें, तो कोई भी खेती करने से पहले आप सीधा सीधा बीज को जाके ले जाके जमीन पे गाड़ते नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द फील्ड, उस जमीन को आपको रेडी करना होता है, उसको तैयार करना होता है, फिर जाके आप कुछ बीज को अगर बोओगे और सही तरीके से उसके बाद अगर रक्षा करोगे तो ही उससे फल मिलता है, तो ही उससे क्रॉप पैदा होता है। इस बिजनेस के अंदर दोस्त, जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों आपको बताते हैं, जैसे कि वीएलसी वगैरह में भी हम लोग बहुत बारी इस चीज को समझाते आए हैं कि जब आप लोगों के पास जा रहे हो, लोगों से जाके आप बात कर रहे हो, सबसे पहले लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस बिजनेस के प्रति। नहीं तो लोग बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सवाल पूछते रहते हैं जिसके दिमाग में, उनके दिमाग में चलते हुए जाते हैं, जिसके वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता इस बिजनेस को, इस काम को करते हुए। इसलिए सबसे पहले जो चीज है कि उनको कंपनी के बारे में वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन दो, ताकि उसको भरोसा हो सके कि इट्स अ राइट कंपनी। मैनेजमेंट के बारे में बताओ, ताकि मैनेजमेंट कितने नॉलेजेबल हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, इसके बारे में उनको समझ आ सके कि मेरे जो मेंटर्स हैं, जो मेरे पथ प्रदर्शक हैं, जो मुझे राह दिखाएंगे, वो कितने नॉलेजेबल है, वो कितने एक्सपीरियंस हैं। कंपनीज की अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, एज बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी काम को अगर करना चाहते हैं दोस्त, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कोई काम किया नहीं जा सकता है। अगर आप मुझे बताओ, मुझे अगर पूछा जाए, आई नो बाइक चलाना मुझे आता है, लेकिन बाइक की टायर कैसे चेंज किया जाता है, उसको कैसे पंक्चर रिपेयर किया जाता है, अगर ये मुझे करना है तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा। मैं बाइक चलाना जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे टायर चेंज करना भी आता है, उसका पंचर ठीक करना भी आता है। सो आई हैव टू लर्न इट, आई हैव टू लर्न इट फ्रॉम समवन, उससे मुझे सीखना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आपका नेटवर्क इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप प्रेस्टीज के अंदर जब भी आ रहे हो, आपको एकदम जीरो बन के आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस्टीज की नॉलेज आपको सिस्टमेटिक वे से काम करने में मदद करते हैं। इसलिए प्रेस्टीज की एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में उनको समझाओ, साथ ही साथ यहां पर लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में समझाओ, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। तो सबसे पहले कंपनीज के बारे में बताओ कि वाइज कंपनीज इज इंपॉर्टेंट, दूसरा इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में बताओ, तीसरा इसको कंपनी की एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में बताओ, चौथा जो प्रोडक्ट जो आज के डेट में हर इंसान को चाहिए रेगुलर बेसिस में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, और पांचवा जब आपको बताना है कि इस मार्केटिंग प्लान के द्वारा उसकी जीवन की जितनी भी जरूरत है, वो सारा जरूरत वो कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आप उनको जानकारी दो। तो दिस आर द फाइव थिंग्स जो आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को बताने से पहले आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करना है, ताकि लोग प्रभावित हो सके इस कंपनी पे। पिनाकी जी, आपका जो दूसरा सवाल था कि लोगों की परचेस पावर हम कैसे समझ सके कि वो इंसान कितना परचेस कर सकता है। बहुत सालों की बात है, मैं जब आसनसोल में रहता था, हमारे वहां आसनसोल में एक चाचा जी हुए करते थे, दही बेचने आते थे, मिट्टी के हंडी में दही भर के वो आते थे और बेचते हुए जाते थे हर जगह पे। और हम लोग ऑन एन एवरेज कभी भी दही खरीदना है तो वो इनसे ही खरीदते थे। तब तो ये दही पैकेट में वगैरह आता नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1994-95 इस टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो तब ये पैकेट वगैरह में दही नहीं आता था, मिट्टी के भाड़ में लोग दही लेके बेचते थे और जितना हिसाब से पोवा के हिसाब से, किलो के हिसाब से लोग लेते थे। एंड ही वॉज अ वेरी पुअर गाय, बहुत ही गरीब था, कपड़े वगैरह आप समझ ही रहे हो उतना ज्यादा कुछ साफ सुथरा नहीं पहनते थे, बहुत ही डर्टी टाइप के कपड़े पहनते थे, एक मिट्टी की हंडी में, उम्र बहुत हो चुका था, वो लेके आते थे, ये करते थे, वो दही बेचते थे। हम सोचते थे कि चाचा बहुत गरीब और ऐसा गरीब है कि इसके पास उतना परचेस पावर नहीं होगा, ये ज्यादा कुछ चीज परचेस नहीं कर पाएगा, इसकी परचेस पावर नहीं है। तो एक दिन चाचा से हम लोग बात कर रहे थे, सारे लड़के लोग बैठ के,
तो चाचा ने बोला ना, चाचा आपके पास पैसा वगैरह है कुछ, आप क्या कर सकते हो, पैसे वगैरह कुछ है? तो चाचा ने बता रहे थे हमें कि चाचा जाएंगे और एक और भैंस खरीदने वाले हैं। तो हमने पूछा एक भैंस कितने में आता है? तो तब के जमाने में दोस्त 8,000 या 10,000 हुआ करता था, 8,000 10,000 95 के अंदर। आज के डेट में अगर पूछो तो करीबन 1.5 से 2 लाख के वैल्यूज के थे। तो इट वॉज अ रियली अ बिग अमाउंट, राइट? एज बिकॉज माई फादर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे में वो थे, तो एज ए रेलवे एम्प्लॉय के लिए 1 लाख 1.5 लाख निकालना एक बहुत बड़ी बात था, बहुत बड़ी बात था। और बीइंग एक दही बेचने वाला, उसके लिए तो बहुत बड़ा बात था 1.5 लाख। लेकिन मतलब तब के जमाने में 8-10 हजार जो था। तो जब उनसे पूछा गया, उनके पास कोई बैंक अकाउंट हुआ नहीं करता था, वो सिर्फ अपने धोती को खोले और वहां से निकाले, और तब 1,000 की नोट हुआ करता था जो अभी बंद हो गया है, वो 1,000 के नोट में दिखाया कि 50 नोट उनके ऐसे 20 नोट उनके पास पड़ा हुआ है भैंस खरीदने के लिए। लेकिन अगर उनको मैं कहता कि चाचा आपके ड्रेस बहुत गंदे हैं, आप चलो मेरे साथ और बहुत ही अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी की एक शर्ट पैंट खरीद लो, तो शायद चाचा मुझे ये जवाब देते हैं कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ये चीज मेरे लिए बहुत ही महंगा है। अगर मुझे कोई कहता कि आप एक 8 या 10 हजार में, मुझे या मेरे पापा को कहते कि 8 या 10 हजार में एक भैंस खरीद लो, तो हमारे लिए वो बहुत महंगा था। माय डियर फ्रेंड, मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया में एक इंसान की परचेस पावर डिपेंड करता है उसकी जरूरत के हिसाब से। अगर जरूरत है, हम उसके लिए कोई भी रकम खर्च करने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत नहीं है, हम नहीं खरीदते, हम पैसे का बहाना लगाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसकी परचेस पावर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी जरूरत क्या है। आपको किसी को भी अगर प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट, कि हाउ मच ए पर्सन लव्स टू हिज बॉडी, अपने शरीर को कितना ज्यादा वो प्यार करता है, अपने शरीर को बारे में कितना वो सोचता है, अपने शरीर के अंगों को रक्षा करने के लिए क्या वो किस हद तक जाता है। अगर वो रियली अपने शरीर को पसंद करता है, अपने हार्ट को सही रखने के लिए एवरी डे कुछ भी हो जाए वो हर रोज सुबह उठ के कुछ कार्डियक एक्सरसाइज करता है, ही ट्राइज टू अवॉइड द जंक फूड, द लेट नाइट स्लीप, अदर्स जितने भी गलत आदतें हैं उसको कभी वो वैल्यू नहीं देते हैं, एज बिकॉज ही लव्स हिज हार्ट टू मच, बहुत प्यार है उसके हार्ट के लिए, ही इज वेरी मच वरीड अबाउट टू कीप द हेल्दी हार्ट, वो हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है, अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहता है। वो आपका फ्लैक्स, वो आपका कोकोनट ऑयल, वो आपका क्रिल ऑयल, वो आपका कोक्यूटेन, वो आपका एलर्जिनाइन, वो आपका प्रोकार्ड, ये सारे प्रोडक्ट एक साथ खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है उसकी हार्ट को रक्षा करने के लिए। हम नॉर्मली देख लो एक एग्जांपल, जब लोगों को कहते हैं सप्लीमेंट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरे को क्या जरूरत है सप्लीमेंट्स वगैरह की, मेरे को जरूरत नहीं होता। लेकिन जब उनके पास कोई बीमारी हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो एक एक दवाई लिख के देते हैं, कुछ भी हो जाए चाहे तो जो जरूरत पड़े तो वो बाकी खर्चों को कम करता है, लेकिन उस दवाई के लिए वो पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है, यानी कि उसकी परचेसिंग कैपेसिटी को वो बढ़ाता है। क्यों? उसकी जरूरत बढ़ चुका है। तो जब भी आप लोगों से बात करो, उनकी जरूरत के हिसाब से बात करो, उनकी चाहत के हिसाब से नहीं, क्योंकि चाहत के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप उनको जरूरत को पूरा करने के बारे में समझाते हो तो लोग कुछ भी हद तक अपने पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, एंड दैट्स डिपेंड ऑन द परचेसिंग पावर ऑफ अ पर्सन। ओवर टू राजीव। थैंक यू सो मच। आई होप पिनाकी रॉय, मिस्टर पिनाकी रॉय, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आई होप कि आपका सवाल का जवाब शंकरजीत ने अच्छे से दे पाया। सो इट्स ऑल अबाउट, जो शंकरजीत ने आपको बोला मैं थोड़ा सा उसको जिस्ट कर देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट लोगों को परचेसिंग पावर से ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है रिक्वायरमेंट और नीड की जरूरत ज्यादा होती है, राइट? और व्हाट क्वेश्चन शुड आई आस्क बिफोर क्लोजिंग माय प्रेजेंटेशन, राइट? सी इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जो एक्चुअली शंकरजीत ने भी बोला कि लोगों की अगर आप नीड को, लोगों की अगर रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल करके बता देते हो,
राइट, तो यू आपको समझ में आ जाएगा एंड यू कैन आस्क अकॉर्डिंगली, राइट। ओके संजीत, ओवर टू संजीत, मैं संजीत के पास जाऊंगा। संजीत एक सवाल है जो एक्चुअली जया शर्मा फ्रॉम आसाम, उनका कहना है कि सर कोविड 19 या फिर कोरोना डिजीज के लिए आप पब्लिक को यानी कि लोगों को कौन सा प्रोडक्ट वेस्टीज की कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने के लिए बोलोगे? जया जी, इस टाइम ऑफ क्राइसिस एंड संजीत वंस मोर, ये थोड़ा सा सिमिलरिटीज है कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलोगे, ये जया शर्मा का एक सवाल है आसाम से। और सुजीत कर्मकर बोल के हावड़ा से है, वेस्ट बंगाल, उनका ये कहना है कि हमारे वेस्टेज के फूड सप्लीमेंट मतलब वेस्टेज प्रोडक्ट के अंदर कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। सो इफ यू कैन आंसर द दिस थिंग्स टू अस सो दैट वी कैन बी ग्रेटफुल, राइट। ओवर टू संजीत। जया जी, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कोविड में क्या रिकमेंड करेंगे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज के डेट में कोविड का नाम लेके किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना ये लीगली सही नहीं है, कानूनन अपराध है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी कोविड का नाम लेके कोई भी प्रमोट कीजिए। टू वेरी फ्रैंक, मेडिकल साइंस के अनुसार कोविड 19 का अभी तक कोई इलाज नहीं है। बहुत जरूरी है समझना कि कोविड 19 का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ हम इसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। प्रिवेंशन, हम हमेशा वेस्टीज में यही सिखाते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दें तो हमारी इम्यूनिटी ही किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होती है, जो हम हमेशा सीएनटी में सिखाते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। अब आप गौर कीजिएगा, इम्यूनिटी के लिए हमारे पास मेजरली जो प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी को जो बहुत स्ट्रांग करते हैं वो विटामिन रिच फूड्स होते हैं, प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए कि हमारे पास जो विटामिन सी रिच फूड है, विटामिन सी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा विटामिन सी आयरन एंड फॉलिक में भी है, हमारा विटामिन सी आमला में भी है, हमारे पास सी वॉकथॉर्न भी है जो कि आपके ओमेगा एसिड्स को बढ़ा के आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप कर्क्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने के लिए, बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो जो हमारे इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सी वॉकथॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप हमारे टॉक्सक्लीन को यूज कर सकते हो। ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में शक्ति देगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटर वर्क ऑन इम्यूनिटी, ताकि अगर वो बीमारी कहीं आपके पास से गुजर भी जाए तो उसका आपके शरीर पे कोई असर ना हो। दूसरा जो सवाल राजीव ने पूछा, जो हमारे कोलकाता के दोस्त ने पूछा था कि क्या इन प्रोडक्ट के भी साइड इफेक्ट, विश्वजीत कर्मकर, तो कर्मकर जी और मैं बाकी सभी के लिए समझाना चाहूंगा कि देखिए दुनिया में मतलब जो हमारी डाइट्स है इसमें दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक जो वाटर सॉल्युबल होता है, दूसरा जो ऑयल सॉल्युबल। जैसे कि आपको समझाना चाहूंगा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ज्यादातर आपके ऑयल या प्रोटीन सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन्स में भी बात करूं तो विटामिन डी भी ऑयल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने गौर किया होगा जब भी वेस्टीज में हम कभी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, चाहे जैसे वो कैल्शियम हो गया या आयरन हो गया, हम हमेशा उसको लिमिटेड कहते हैं कि आपको दो कैप्सूल दिन में लेना चाहिए। कैल्शियम की बात करें तो 3 से 4 कैप्सूल लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ऑयल सॉल्युबल मिनरल्स हम बॉडी में ज्यादा लेते हैं तो कई बार बॉडी में जमा होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा आपको हार्मफुल हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो भी आपके जो ट्रेनर्स हैं आप उनसे एक बार जरूर संपर्क कीजिए कि सर इसमें से कौन सा विटामिन्स ऑयल सॉल्युबल है। इसके अलावा जितने भी हमारे नेचुरली दूसरे विटामिन्स है जो कि आपके हो जाता है, यानी कि वो आपके यूरिन के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा इस मामले में मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि कभी हम बहुत ज्यादा साग खा लेते हैं या बहुत ज्यादा रोटी खा लेते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका 1 या 2 दिन के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा पेट खराब हो सकता है या आपको यूरिन ज्यादा जाना पड़ सकता है, और आप देखोगे कि आपके स्टूल का या यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा कुछ दिनों के लिए या कुछ मोमेंट के लिए, उसके बाद एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। ये क्या हो गया, ये आपका बॉडी ऑटो फ्लश कर रहा है। तो जब भी वेस्टीज के सप्लीमेंट्स आप लोगे, आप देखोगे ज्यादातर सप्लीमेंट्स पे यही लिखा गया है कि सेफ फॉर कंजम्पशन, इसीलिए लिखा गया है कि आपका बॉडी पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बस कुछ मैं फिर से कहना चाहूंगा, कुछ मिनरल्स और जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स है जैसे कि विटामिन डी, इसको लेते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी है कि जितना रेकमेंडेड डोजेस है आप वही लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर टू राजीव। संजीत थैंक यू सो मच, आई होप कि वी हैव मेड दैट पॉसिबल। शंकरजीत, आपके लिए मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं है एक्चुअली, आर्यन झाका है, उन्होंने एक्चुअली लोकेशन नहीं लिखा है। आर्यन झाका सवाल है कि हम लोग जो बांग्लादेश में भी बिजनेस कर रहे हैं, राइट,
वहाँ पे बांग्लादेश में हम लोग क्लोजिंग कैसे करें और ऑनलाइन परचेस के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानकारी दो, क्योंकि हाउ टू डू ऑनलाइन परचेस देयर। ओके आर्यन जी, सबसे पहले तो आप बांग्लादेश में, आपका स्वागत है, आप बांग्लादेश में आओ, अपना बिजनेस करो सर, एंड जितना जो सपोर्ट हम लोग की तरफ से होगा वी विल डू इट। तो आपको बिजनेस करने में वहां पर बहुत ही आसानी होगा एंड इट्स अ वेरी न्यू मार्केट फॉर अस, राइट? क्योंकि बांग्लादेश हम लोग लॉन्च किए हुए, हमें जस्ट 2 साल अभी तक पूरे कंप्लीट हुए नहीं है, तो इट्स अ नाउ अ बेबी ओवर देयर, तो एक बहुत ही छोटा बच्चा है, हम सब लोग मिलके उस बच्चे को बड़ा बनाना है। तो आप सभी लोग आइए बांग्लादेश में, अपने बिजनेस को जमाइए, वहां पर बिजनेस को कीजिए। सबसे बड़ी बात है दोस्त कि पहले मैं आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश का जो बिजनेस है इट्स अ वेरी बेबी फॉर अस, क्योंकि अभी उसको सिर्फ 2 साल ही हुआ है, आप 2 साल भी नहीं हुआ है, और आप इंडिया के जो वेस्टिज को देख रहे हो, इंडिया के वेस्टिज ऑलरेडी 16 साल का एक जवान हट्टा कट्टा लड़का हो चुका है। तो एक 16 साल का बच्चा जो परफॉर्म दिखा सकता है, जो काम दिखा सकता है, वी कांट एक्सपेक्ट दिस ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम अ 2 इयर्स बेबी, राइट? सो ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज हैं जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द इंडिया जितने भी कंट्रीज हम लोग हैं, वो सारा का सारा फैसिलिटीज हम अभी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो उसी हद में ऑनलाइन बिलिंग जो है वो बांग्लादेश में, आई थिंक हम लोग का जो काम था कि जून जुलाई में हम लोग का स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहे थे, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड, ये ओपन हो जाने के खत्म होने के बाद फिर हमें 2-3 महीना और लगेगा सर इसके ऊपर काम करने के लिए, एज बिकॉज ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मुझे पूरा का पूरा उस हिसाब से अपना ऑनलाइन सिस्टम को डिजाइन करना होता है, बैंकिंग का सिस्टम डिजाइन करना होता है, कोरियर का सिस्टम डिजाइन करना होता है, लोगों के प्रोडक्ट कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कौन सा डीएलसीपी कैसे जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैनल सिस्टम है। तो इसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करने में और कुछ दिन टाइम हमें लगेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन बिलिंग वहां पर भी स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो आपका पहला सवाल था कि हम बांग्लादेश के अंदर क्लोजिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम लोगों के मेरे फोन आते हैं, क्योंकि आपने ये सवाल किया तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कॉमन सवाल पूछते हैं, सर बांग्लादेश की मार्केटिंग प्लान बोलो। तो सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्टी जहां जहां है और जहां जहां आने वाले दुनिया तालीम पे जाएगा, मार्केटिंग प्लान एवरीवेयर सब जगह पे सेम है, मार्केटिंग प्लान कहीं कुछ अलग नहीं है, पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान सेम है। इसलिए हम पीवी में बात करते हैं, तो जितना मार्केटिंग प्लान पीवी के हिसाब से उसी हिसाब से पूरा का पूरा है, सिर्फ पीवी भी रेशियो चेंज हो जाता है। इंडिया के अंदर जैसे 1 PV = 18 बिजनेस वॉल्यूम = 29.99 रुपीज, बांग्लादेश में ऐसे ही 1 PV = 38 बिजनेस वॉल्यूम = 75 बांग्लादेशी टाका। अब क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो सर ऑनलाइन बिलिंग वहां पर है नहीं, तो अभी आपको इंडिया के अंदर से जो आपको फैसिलिटीज मिलते हैं, आप सिर्फ अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो, आपके कोई रिश्तेदार है या आपके कोई दोस्त है, कोई जान पहचान वाला है, आप उनके नाम, उनके फोन नंबर, उनके मेल आईडी, उनकी एड्रेस लेके आप अपने वेस्टिज पॉस से सिर्फ उसकी आईडीज को आप क्रिएट कर सकते हो। वो आईडी एक्टिव और वैलिडिटी तभी होगा जब वो इंसान बांग्लादेश के कोई भी डीएलसीपी या ऑफिस में जाएगा, वहां पर जाके उसका फॉर्म, आप देखो ज्वाइनिंग फॉर्म तो फिलअप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो मेल आईडी आप देते हो उसमें कंपनी की तरफ से एक मेल जाता है, उस मेल को प्रिंट आउट करके उसके अंदर सिग्नेचर करके वो मेल की कॉपी, वहां पर एक कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से आधार कार्ड है, बांग्लादेश में एक कार्ड होता है जिसको कहा जाता है NID, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उस NID का फोटोकॉपी लगेगा, और वे दोनों जमा करके वो 30 PV के प्रोडक्ट अगर परचेस करते हैं तो उनके आईडी एक्टिवेट हो जाता है, बाकी जो रूल्स है वो सारा का सारा सेम है। सर दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन होगा, मुझे एक बात बताओ, मैं रहता हूं कलकत्ता में, अब मैंने सोचा कि मुझे एक पेड़ लगाना है, और जिस पेड़ से आम का पेड़ लगाना है, और जिस आम के पेड़ से मुझे बहुत सारे आम मिलेंगे, बहुत सारे फल मिलेंगे, रसीले फल आएंगे, मैं खाऊंगा। अब जैसे पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आम के लिए बहुत फेमस है, तो मैंने क्या किया, कलकत्ता से गए, और कलकत्ता से ना जाके मेरा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है मालदा में, मैंने उसको बोला एक काम कर भाई, तू मेरे नाम पे एक आम का पौधा, एक पेड़ मालदा में लगा दे, तू लगा दे, मैं कलकत्ता में बैठूंगा और कुछ ही साल के बाद वहां का सारा आम मुझे मिलेगा, उसके रसीले फल में खाऊंगा।
सर इज इट पॉसिबल? अगर उस आम को पेड़ को मुझे लगाना है तो सबसे पहले तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, सिर्फ लगा के छोड़ के आ जाने से नहीं होगा, ये भरोसे में कि ऊपर वाला कब बारिश देगा तो उसको बारिश मिलेगा, ऊपर वाला अगर कोई खाद देगा तो खाद मिलेगा, नहीं तो बाकी के लोग खाद देंगे तो मुझे भी कुछ खाद दे देना पड़ेगा। मे बी सर वो जगह है आपके आम के लिए फेवरेट, वो जगह है आम के परिवार के लिए, आम के पौधे को ग्रो करने के लिए अनुकूल परिवेश वहां पर है, सब कुछ है, कंपनी का सपोर्ट है, कंपनी के लोग हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आम का पेड़ मेरा है, अगर उससे फल मुझे लेना है तो मुझे जाना पड़ेगा, उसको रक्षा करना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम नरिश करना पड़ेगा, उनको देखभाल करना पड़ेगा, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे फल हम ला सकते हैं सर। सो ऑनलाइन के अंदर ये फैसिलिटीज हैं, क्लोजिंग का मैंने बता दिया कि किस तरह से आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते हो, प्रोडक्ट वो वहां पर परचेस करेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा सर प्लीज आप लोग वहां पर जाइए। बहुत सारे लोग एक चीज से डरते हैं, जो बार बार मुझे बहुत सारे फोन आते हैं आपके इस क्वेश्चन से, मैं सबको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, लोग वहां पर जाके बोलते हैं कि वहां पर बांग्लादेश में लैंग्वेज की बहुत बड़ा इशू है, लोग वहां पर हिंदी समझते नहीं है। मैं वहां पर दिनाजपुर बोल के एक जगह है, और वहां पर जाके सुबह सुबह मैं एक दिन होटल में था, लिटरली वहां पर भोजपुरी गाने चल रहे थे, भोजपुरी हिंदी भी नहीं, भोजपुरी गाने, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भोजपुरी समझ में आता है, सो आई रिकॉग्नाइज दिस सॉन्ग, इट्स अ भोजपुरी सॉन्ग यहां पर। हाँ, आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जितने भी टीवी सीरियल्स होते हैं मैक्सिमम व्यूअर्स बांग्लादेश के होते हैं, हमारे जितने मूवीज होते हैं मैक्सिमम व्यूअर्स बांग्लादेश के होते हैं, इंडिया के अंदर ऐसा कोई हिंदी मूवी का गाना नहीं है जो बांग्लादेश के लोगों के होठों पे नहीं है सर। मेन चीज है, एक बार बहुत साल पहले बाली सर ने एक बार बहुत अच्छी एक बात बताया था, हमारे एक लीडर्स ने उनसे पूछा था कि सर कंपनी आने वाले दिनों में बहुत सारे बाहर बाहर कंट्री में जाएंगे, हमें तो उतना सारा बाहर का लैंग्वेज पता नहीं है, तो हम जाके वहां पर कैसे अपने बिजनेस को कर पाएंगे? तो बाली सर ने एक बात बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा है सर कि बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, और ये फॉरेनर सबसे ज्यादा शहरों में घूमने से भी ज्यादा वो पसंद करते हैं गांव या दूसरे जगह पे जो हिस्टोरिकल प्लेस है हिंदुस्तान के अंदर, जो रिच कल्चर है हिंदुस्तान का, उसकी फ्लेवर लेने के लिए ये बहुत सारे गांव में जाते हैं, बहुत सारे विलेज एरियाज में जाके घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। जब ये विलेज में जाते हैं तो हमारे देश में हिंदुस्तान की अगर बात करें ना दोस्त, हर 25 किलोमीटर में भाषा, पानी, खाना, कल्चर चेंज होता है। तो क्या वो विदेशी लोग वो सारा का सारा भाषा सीख के आते हैं, या फिर हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं क्या उन विदेशियों के सारा भाषा को समझ पाते हैं या सीखते हैं? लेकिन फिर भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको किसी के पास एक ग्लास पानी चाहिए होता है, कोई फॉरेनर दुकान में जाके बोलता है कि मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, किसी इंसान से जाके बोलता है एक ग्लास पानी चाहिए, दोनों इंसान दोनों के भाषा समझते नहीं है, फिर भी उसका प्यास जरूर मिटता है सर। ये हमारी एक सोच है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आई टेक अ लिटिल बिट टाइम एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू शेयर। जैसे कि हमारे यहाँ पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कम्युनिकेशन लैंग्वेज का बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो मैं एक बार मंगलदेही बोल के एक जगह है आसाम के अंदर, मंगलदेही बोल के एक जगह है, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, करीबन 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर। तो मैं एक बार वहां पर गया था, तो गुवाहाटी से मैं जाने वाला था नेक्स्ट दिन, और मेरा वहां पर प्रेजेंटेशन था, ट्रेनिंग था, तो लोगों ने जितने भी लोग वहां पर थे पहले जो मुझे फीडबैक था, और मुझे सब पता भी था क्योंकि मैं जानता भी था कि वहां पर दैट्स अपर असम साइड में आता है, और वहां पर लोग सिर्फ एसमिस ज्यादा समझते हैं, हिंदी या दूसरा लैंग्वेज समझते नहीं है, और मुझे एसमिस बोलना आता नहीं है, क्लियर सी बात। तो रात को और कुछ लोगों ने मुझे डरा दिया, मैं और डर गया, यार कल जाके मैं मीटिंग कैसे करूं, लोगों को बताऊं क्या, लोग तो मेरी भाषा ही नहीं समझेंगे, बात क्या है, पूरी रात में सोचता रहा, रात को नींद नहीं आ रहा है, कल मीटिंग है, अब लोग मेरे भाषा नहीं समझेंगे तो कैसे क्या करेंगे। तो जैसे हो सुबह कुछ सोच बोझ के मैं चला तो गया हूं वहां पर, मीटिंग स्टार्ट करने की बारी आई तो मुझे खड़ा कर दिया गया, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया मुझे सिर्फ इतना समझ में आया मेरा नाम बुलाया गया शंकुजी, बस इससे आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं जाके खड़ा हो गया। मेरे सामने करीबन सर 500 से 600 लोग बैठे हुए हैं,
जो 500 से 600 लोग मुझे देख रहे हैं और उनकी भाषा में जानता नहीं हूं। मैंने वहां पर पहले सवाल पूछा, सर आप में से कितने लोग हो जो अमिताभ बच्चन को जानते हो? 500-600 जितने लोग बैठे थे सब लोगों ने हाथ उठा दिया। अलम उनकी एक दो मूवी का नाम बताओ, तो उनके फेमस फेमस मूवी के नाम आने लगे, शोले, दीवार, ये वो, बहुत अच्छी बात है सर। सर क्या आप लोगों ने ये मूवी को देखे? तब मैं बोला हाँ, इसीलिए नाम बोल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज पता है, अमिताभ जी ने अपनी पूरी करियर में एसमिस में कोई मूवी नहीं किया, उसने जितना मूवी किया था सारे के सारे हिंदी में किया था। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए उनकी हिंदी को समझ पाते हो तो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने जीवन के बदलाव के लिए आपको मेरा हिंदी भी समझना पड़ेगा। और दोस्त एंटायर मीटिंग मैंने वहां पर हिंदी में किया, लोगों ने समझा, लोगों ने प्यार किया, बहुत अच्छा फीडबैक आया। द पॉइंट इज दैट ये हम अपने आप को रोकते हैं, जाके बात तो करो, समझ सबको आता है सर, बिजनेस सब कर सकते हैं अगर साहस जरूरत है आपके अंदर। आई थिंक मैंने आपका सेटिस्फाई जवाब एंड नॉट ओनली यू, बहुत सारे लोगों का जवाब मैंने आज दिया है। राजीव थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, या ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डियर। एंड नहीं, ये बहुत सारे लोगों का बांग्लादेश को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। आई थिंक कुछ हद तक हम लोग ने उसको कवर अप किया, सो थैंक यू शंकर जी। मुझे लिखा सर वीजा और पासपोर्ट। हाँ सर, वीजा और पासपोर्ट चाहिए, बिना वीजा और पासपोर्ट के आपका उपाय है, लेकिन वो कांटा के तार के नीचे से गाय चराते चराते जा सकते हो, अदरवाइज लीगली जाना है तो ऑब्वियसली वीजा पासपोर्ट इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर बांग्लादेश, इसके अलावा जा नहीं सकते, तो पासपोर्ट और वीजा तो सर जरूर चाहिए। थैंक यू सो मच। पासपोर्ट और वीजा के अलावा भी जा सकते हो, दो जगह है, एक है मालदा और दूसरा है मुर्शिदाबाद। मतलब वो खाली है, एनीवे जोक्स अपार्ट यार, इट वाज नहीं एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली अ वेरी थिंग व्हिच यू आल्सो शुड नो। सो अगर आप लोग बांग्लादेश में बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो तो प्लीज get your passports and everything ready so that you can have everything ready after the lockdown and all. Agla jo sawal hai, ye sawal hai Mr. Sanjeev Kundu ke liye, kyunki Sanjeev is actually taking care of Nepal also. So Sanjeev Nepal se hamare Sujit saab bolke hai, unka teen sawal hai jo main aapko ek ek karke padhne ki koshish karta hu. Unka kehna hai ki sir, as here in Nepal, we have been restricted for new joining and purchase, right? We have been stuck and it won't be possible to purchase from India from all these months, right? मतलब ये lockdown के situation के हिसाब से अगर बात करें तो सब कुछ बंद हो चुका है और India से हर बार खरीदारी करना ये possible नहीं है, right? तो इसके लिए आप उनको कुछ suggestion ताकि वो further proceed कर सके, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि लॉयल कंज्यूमर बनाओ, इसको लेके हम लोग ट्रेनिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं, तो उनका एक चीज वहां पे उनका एक ही चीज फोकस करने के लिए वो एक उनका एक सवाल है कि लॉयल कंज्यूमर हम लोग फोकस करने के लिए बोलते हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो लॉयल कंज्यूमर पे ज्यादा फोकस करें या फिर न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें, राइट? और लास्ट बट नॉट द लिस्ट उनका एक क्वेश्चन है, what will be an effect to present Vestiges to new prospect consumer? I think iske bare mein hum log discussion kiya, agar thoda sa isko retouch kar dete to acha hota. So this is the question. Over to Sanjeev for the answer, please. कि ऑलरेडी हमारा वहाँ पे दो फैक्ट्री बन चुका है, जिसमें से एक में हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो चुके हैं और दूसरे में हमारे कॉस्मेटिक्स बनने का काम शुरू होने वाला है जल्दी।
मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 15 डेज और 1 मंथ आप देखोगे कि नेपाल में हमने वेस्टीज एक बार फिर से रिलॉन्च किया विदाउट फैक्ट्रीज। तो उसके बाद आपके वेस्टी मैं क्योंकि मैंने मेरे पास भी कुछ मैसेजेस आए हैं कि सर हमारे पास नेपाल में और भी ब्रांचेस चाहिए काठमांडू के अलावा भी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारा नया लाइसेंसिंग हो जाता है इन फैक्ट्रीज के साथ, तो हम इमीडिएटली नेपाल के जितने भी राज्य हैं, टू बी वेरी फ्रैंक नेपाल में भी 7 स्टेट्स हैं, तो हमारा यही फोकस है कि इन 7 राज्यों के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हर हेडक्वार्टर में कंपनी का अपना एक ब्रांच हो। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पे हम DLCPs या POS खोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल खोल सकते हैं, हम विद इन नेक्स्ट 6 मंथ आप देखोगे नेपाल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम टूडे। नेपाल के हर गांव हर जगह जैसे इंडिया में मौजूद है, 6 महीने के अंदर आप देखोगे कि नेपाल के भी हर इलाके में ये DLCPs वगैरह अवेलेबल। दूसरा सवाल जो मैं मेरे से पूछा गया अभी कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, आइदर ऑन मतलब यूजर्स पे या प्रोस्पेक्ट पे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जैसे ऑलरेडी शंकर जी सर ने बताया है कि पहले जमीन तैयार करनी बहुत जरूरी है। देखो आप हर जगह हर तरह की खेती नहीं कर सकते, में 2 तरह की खेती होती है, एक गेहूं की भी होती है दूसरी चावल की भी होती है। लेकिन अगर आप देखें कि यूपी से जुड़ा हुआ बॉर्डर वहां पे गेहूं की खेती होती है, जबकि बिहार से जुड़े हुए जो बॉर्डर है वहां पे चावल की होती है, क्योंकि वहां पे बाढ़ और पानी का ज्यादा असर होता है। सिंपल सी बात है कि जैसी मिट्टी वैसी खेती। उसी तरह जब आप एक इंसान से बात करोगे आपको ये समझ में आएगा कि ये बंदा हमारा यूजर बनने लायक है या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक है। अगर वो यूजर बनने लायक है तो आप उसको प्रोडक्ट यूज करवाइए। 1 या 2 महीने तक जब वो लगातार प्रोडक्ट यूज करेगा उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आएगी, तब वो तैयार हो जाएगा इसको बारे में लोगों को स्प्रेड करने के लिए। उस समय से बताइए कि भाई आप तो इतने अच्छे से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रमोट कर सकते हो तो आप आसानी से इस चीज को क्यों नहीं करते और आपका प्रोडक्ट इनकम क्यों नहीं कमाते। तो पहले उसको एक लॉयल यूजर बनाए, जैसे ऑलरेडी शंकर जी सर ने बताया था पहले कि पहले एक इंसान को पहले एक लॉयल कंज्यूमर बनाइए कि प्रोडक्ट को खाए उसको उसकी क्वालिटीज के बारे में पता चले, उसके बाद उसको प्रोस्पेक्टिंग करें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पास आएंगे कहेंगे कि सर मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, मुझे बिजनेस के ऊपर सोचना है। तो उनके लिए क्या करना है, उनको इमीडिएटली ज्वाइन कराइए, उनको ये समझाइए कि डायरेक्ट सेल्स कैसे करना है, लोगों तक प्रोडक्ट्स को कैसे पहुंचाना है और बेस्ट साथ इनकम कैसे पहुंचाना है। तो ये 2 कैटेगराइजेशन आपको करना होगा लोगों से बात करते हुए कि बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, एक यूजर बनना चाहता है या डायरेक्ट नेटवर्क बनना चाहता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज एक और चीज है जो एक डाउट है जो कई लोगों के नेपाली लोगों के मन में आ सकता है, क्योंकि जब मैं ऑलमोस्ट 6 महीने पहले नेपाल गया था तो कुछ मुझसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले थे जो कि खासतौर पतंजलि के थे। बुरा मत मानिएगा मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन दिस इज फैक्ट। उन लोगों का ये कहना था कि कई केसेस में क्या होता है कि जब इंडिया की कोई कंपनी दूसरे देश में या नेपाल जैसे छोटे देश में बनाती है तो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और चीजें वहां पे अलग हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज अगर कहीं पे भी अपना फैक्ट्री बना रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी हम नेपाल में इसका काम शुरू कर चुके हैं, हमने अफ्रीका में घाना में कई ऐसे लोकेशन डिसाइड किए हैं जहाँ पे ये फैक्ट्रीज हम बनाने वाले हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में भी, अगर संगजीत सर भी मेरे साथ है तो उनको भी ये चीज आइडिया है कि हम बांग्लादेश में भी इसके लिए वेन्यूज खोज रहे हैं। हम कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि फॉर्मुलेशन जो है और इसकी जो क्वालिटी है वो उस देश की सबसे बेस्ट क्वालिटीज में से एक होगी। तो आपको कभी इस बात की सोचने की जरूरत नहीं कि सर प्रोडक्ट अगर अलग जगह बन रहे तो क्या होगा। सर चिंता मत करो, वेस्टीज का नाम जैसा आज बना हुआ है दुनिया में ऐसा ही रहेगा फॉर एवर। हमेशा मैं कहूंगा कि क्वालिटीज के मामले में हम कभी आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हम रेट पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी पे नहीं। तो हम क्वालिटी हमेशा मेंटेन करते हैं। राजीव, उम्मीद करता हूँ 3 सवाल के जवाब मिल गए हैं। राइट डियर, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं कुछ लोगों एक्चुअली चैट बॉक्स देखने मतलब देखने के मूड पे नहीं था, लेकिन फिर भी देखा। लेकिन उससे पहले सुजीत झा जी, आई होप आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया आपका। और एक रिक्वेस्ट था हमारे पास कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई सेशन होगा तो अच्छा है, एंड हाउ टू अचीव सेल्फ टारगेट, राइट। तो सर हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन मोड ऑफ डूइंग ए लॉट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक 10-15 दिन के अंदर यू विल गेट एवरीथिंग। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की बात करें तो सर जितने भी ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग, आई होप कि कल भी संजीत नहीं तो शंकुजीत का भी एक ट्रेनिंग है लीडरशिप के ऊपर, तो वो सब ट्रेनिंग अटेंड करो ताकि आप अपने आप को ग्रूम कर सको। और
लीडर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो कोई किताबी कोई चीज नहीं कि आप पढ़ के कर लोगे, उसके लिए ना आपको लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर भी हम लोग एक सेशन लाने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। शंकुजी अगला सवाल जो जाने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर में देख रहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग लिखा है हाउ टू टॉक विथ प्रोस्पेक्ट ऑन कॉल। अमन कुछ और भी कुछ लिखा है कि सर ये क्वेश्चन रेज करने के लिए सेशन के अंदर क्वेश्चन रेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, हमारे पास जो पोस्टर होते हैं वो मेल करना पड़ता है, वो हम लोग आपको ट्रेनिंग के बाद ये सेशन के बाद हम लोग आपको फिर दे देंगे, तो यू कैन हैव यू रेज योर क्वेरीज ओवर देयर। राइट शंकरजीत, मेरा एक सवाल है आपसे और ये एक्चुअली पटेल जी ने लिखा है फ्रॉम बैंगलोर। ओल्ड एलओबी न्यू एलओबी लेके कोई कोई मतलब कुछ गंभीर समस्या नहीं है, एप्लीकेबिलिटी इन डिटेल्स अगर बोल पाए थोड़ा सा। अच्छा, एंड वन मोर थिंग बिकॉज आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड फर्स्ट, मुझे लगता है इफ यू फील यू कैन आंसर इन बोथ वेज। उनका कहना है कि प्रोडक्ट के अंदर जो रिटेल प्रॉफिट बोला जाता है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन 10-20% डिस्काउंट है, अगर वहां पे हम लोग के पास कोई लिस्ट है क्या कि हम लोग 15-20% का प्रोडक्ट इसमें मतलब 15-20% का डिस्काउंट इस प्रोडक्ट के अंदर मिलता है ऐसा कोई, या फिर क्या डिस्ट्रीब्यूटर खुद बना सकते हैं ऐसे। अच्छा, इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय मिस्टर पटेल, राइट? राहुल पटेल फ्रॉम बैंगलोर। राहुल पटेल, ओके मिस्टर राहुल, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली एंड आई थिंक कि आप वेस्टिज के अंदर एक बहुत ही मतलब नए मेंबर हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन से आपको लग रहे हैं एज बिकॉज दिस ओल्ड एलओबी रूल्स एंड न्यू एलओबी रूल्स, ये सबसे ज्यादा दिक्कत आते हैं जो लोग अभी नए नए अपने बिजनेस को स्टार्ट किए हैं या नए वेस्टिज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितने पुराने लोग हैं वो उनको पता था कि व्हाट इज द ओल्ड एलओबी एंड नाउ इट्स बिकम अ न्यू एलओबी। तो इसमें अंतर क्या है मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद आपके सेकंड क्वेश्चंस में मैं आता हूं सर। सबसे पहले सर एलओबी के जो रूल्स हैं, एलओबी के रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि आपका एलओबी के आपको कितने डेप्थ तक मिलेंगे ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका रैंक आपके पोजिशन क्या है। तो जो फर्क है ओल्ड एलओबी एंड न्यू एलओबी में जो फर्क है, ये फर्क आता है एकदम हायर लेवल पे। हायर लेवल पे मतलब कैसे कि सपोज करो मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, मेरे 16 लेग हैं और मेरे 16 लेग के सारे लोग डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उसके नीचे 16x6 कर लो वो लोग भी सारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ऐसे अगर स्थिति आता है ऐसा पोजिशन आता है तब जाके ये मैटर होता है, तब जाके ये चेंज होता है। अदरवाइज नॉर्मली आप क्राउन लेवल यूनिवर्सल लेवल नॉर्मल जो हमारे लोग मेंटेन करते हैं उसमें ज्यादा फर्क इसके अंदर आते नहीं है, लेकिन चीजों को जान लेना बहुत ही जरूरी है सर, इसलिए मैं आपको पूरा चीज आपको बता रहा हूं। तो एज पर द ओल्ड एलओबी रूल्स आपके एलओबी के डेप्थ कितने तक आपको मिलेंगे ये डिपेंड होता था आपका परमानेंट लेवल क्या है। सपोज यू आर अ क्राउन, तो आपको क्राउन को इतने डेप्थ मिलते हैं, इफ यू आर अ डायमंड इतने डेप्थ मिलते हैं, इसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे आपके सक्सेस प्लान बुक्स के अंदर। तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितने को कितना डेप्थ मिलता था, ये डिपेंड होता था परमानेंट लेवल के ऊपर। नए रूल्स के हिसाब से चेंज क्या है कि आपका एलओबी रूल्स डिपेंड होगा आपके लेवल के ऊपर, बट आपका लेवल डिपेंड होगा आपको कितने लाइन से एलओबी आ रहा है इसके ऊपर। फॉर गिविंग अ एग्जांपल, सपोज करो कि मेरा डेजिग्नेशन है एज ए क्राउन डायरेक्टर, लेकिन इस महीना मेरे 3 लेग से एलओबी आया है, सो फॉर द एलओबी कैलकुलेशन आई विल बी ट्रीटेड एज अ स्टार्ट डायरेक्टर, एंड एज अ स्टार्ट डायरेक्टर मेरे को जितने डेप्थ मिलना है मुझे उतना डेप्थ मिलेगा। और एक जो चेंजेस था वो चेंजेस था कि पहले ओल्ड एलओबी के हिसाब से
इफ वी आर इन द सेम पोजिशन मी एंड माई डाउनलाइन, सपोज करो मैं भी डायमंड हूं और मेरे नीचे भी डायमंड है, तो पहले होता था कि मुझे सिर्फ मिनिमम गारंटी आता था। नए एलओबी के रूल्स के हिसाब से आपको मिनिमम गारंटी प्लस 3 डेप्थ आएगा अगर आप सेम लेवल पे हो, इससे अलावा और कोई ज्यादा इतना अंतर नहीं है। और ये पूरा का पूरा इफेक्ट आता है, जैसे मैंने कहा कि आप एक डबल यूनिवर्सल क्राउन, आपके नीचे 16 डबल यूनिवर्सल क्राउन, उसके नीचे सारे 16 डबल यूनिवर्सल क्राउन, ये तब जाके ये असर आता है, अदरवाइज ये इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इट्स थियोरेटिकली जस्ट ये चेंजेस है। दूसरा सर जो आपका सवाल था कि किसने प्रोडक्ट के ऊपर हमारे, हम जो बोलते हैं 10-20%, तो ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट्स भी इक्वल नहीं होते, किसी प्रोडक्ट पे 10 से, किसी पे 15 है, किसी पे 18 है, किसी के 20 से। जब आप कोई ऑर्डर फॉर्म लेते हो, जो पूरा ऑर्डर फॉर्म है, पूरी ऑर्डर फॉर्म के अंदर भी आपका लिखा हुआ रहता है, और उसमें आप देख सकते हो कि वहां पर आपका डीपी प्राइस कितना है और एमआरपी कितना है, इसके बेसिस में आपका लिखा हुआ रहता है, आप निकाल सकते हो। इफ यू वांट आप खुद भी बना सकते हो सर, मेरा रिकमेंडेशन होगा क्योंकि आप बेंगलोर में हो, तो आप ऐसा एक लिस्ट बनाओ, ऐसा लिस्ट बना के आप हमें भेज सकते हो, या फिर हमारे बेंगलोर में मिस्टर सैयद मोइम उल्ला है, हमारे डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ सेल्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर साउथ इंडिया एंड मिडिल ईस्ट के बिजनेस को देखते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो, आप उनका नंबर हमसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो या हमें मेल करके भी ले सकते हो। शंकुजी, जस्ट टू एड ऑन की सर को एक्चुअली आई हैव पुट अप अ मेल यस्टरडे विद सैयद सर नंबर। ओके ओके, तो सैयद सर का नंबर है, तो आप ऐसा लिस्ट बना के एक बार सैयद सर से आप चेकिंग करवा लो, चेक करके आप अपने टीम के अंदर उसको सर्कुलेट कर सकते हो। सर हम इसी चीज के ऊपर ज्यादा आपको प्रेरित करते हैं, क्योंकि देखो एक चीज है, बहुत सारे लोग एक उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, और लोग हमें बार बार इस बोलते हैं, अच्छा सर ये कैसे कंपनी को करना चाहिए, वो कंपनी को करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारे से सजेशंस भेजते हैं। तो इन वीएलसी हम लोग एक बहुत अच्छी चीज पूछते हैं, स्पेशली राजीव इसको करता है, बिजनेस किसका, आपका, इनकम किसके, आपके, सपने किसके, आपके, डाउनलाइन किसके, आपके, हेल्प कौन करेगा, आप करोगे तो कर लो ना, क्योंकि यू आर नॉट रनिंग अ बिजनेस, कंपनी की तरफ से आपको वो सारा सपोर्ट है, लेकिन कंपनी की तरफ से वेस्टीज इज अ सो फ्लेक्सिबल कंपनी, जहां पर हम अपने लोगों को अलाउ भी करते हैं कि आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, आप उसको भी कर सकते हो। कहीं पर अगर आप वेस्टीज के नाम या वेस्टीज के लोगों को यूज कर रहे हो, तो उसका एक ऑफिशियल परमिशन आप हमसे ले लो, और उसके बाद आप उसको अपने ग्रुप के अंदर प्रमोट कर सकते हो सर। तो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, आप अपने टीम के अंदर ये कर सकते हैं सर। ओवर टू राजीव। ओके, थैंक यू सो मच। ये एक सवाल है संजीव, फॉर यू संजीव, बेसिकली आई थिंक यू विल लव इट, लव दिस क्वेश्चन एक्चुअली। ये एक्चुअली ऑर्पन दे का है, टोंगम से, लेकिन ऑर्पन को, ऑर्पन दे को मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई मेल भेजेगा ना, भेजोगे ना, तो प्लीज एक ही बार में, एक साथ में 3-10 सवाल कर दो, एक 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 एक, मतलब इधर एक भेजा है, दो दिन के बाद फिर तीसरा भेजा है, ऐसा करके भेज रहे, तो बहुत सवाल, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एनीवे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका उम्र बहुत बहुत कम है। सॉरी टू इंटरप्ट राजीव, मिस्टर विकी ने एक मैसेज जैसे मेरे सामने अभी पॉप अप हुआ था, आई थिंक इसका थोड़ा सा आंसर भी दे देता हूं। मीटिंग के आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाता है सर, आप लोगों के लिए हम लोग हर दिन जितने भी हमारे शेड्यूल्स तैयार होते हैं, शेड्यूल्स की प्लानिंग तो बहुत पहले से करके रखते हैं हम लोग, और एवरी डे पहले, एक दिन पहले हम सारे के सारे पोस्टर बनाते हैं, लिंक्स बनाते हैं, ताकि पोस्टर में आपको आईडी पासवर्ड, लिंक में आईडी पासवर्ड एज वेल एज लिंक, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हम कनेक्टेड हैं, उन सारे जगहों पे हम भेजते हैं, लीडर्स को पर्सनली भेजते हैं, तो आपके जो टॉप अपलाइंस है आप उनसे संपर्क करके पा सकते हो। अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो सेकेंड वे है, आप मेरा नाम नोट कर लो, दैट इज शंकोजीत गोस्वामी, आपको जूम में मेरा नाम का स्पेलिंग भी आ रहा होगा, आप मेरा नाम नोट कर लो, इसी नाम पे फेसबुक के अंदर फेसबुक पेज है, उस पेज में अगर जाते हो तो आप लोगों के लिए हर रात को सोने से पहले, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं सोने से पहले हर रात को, नेक्स्ट दिन जो भी मीटिंग्स हैं, उस सारे मीटिंग्स के पोस्टर, सारे मीटिंग्स के लिंक हम लोग अपडेट कर देते हैं, आप वहां से लिंक्स को कॉपी करके भेज सकते हो, आईडी पासवर्ड को भेज सकते हो, उसके बाद भी अगर कहीं से आपका मिस हो जाता है तो इसी नाम पे आपको यूट्यूब के अंदर यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, और वहां पर भी हम इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग को पोस्ट करते हैं ताकि आप देख पाओ। यस संजीत, सॉरी
थैंक यू शंकर जी। संजीत पहला और पुंदे का एक सवाल है, जैसे यस और नो पे बोल देंगे तो ये आसानी हो जाएगा सबके लिए। एक सवाल है कि गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग और उनकी जो मिसेस है वो भी गवर्नमेंट टीचर है या फिर गवर्नमेंट सर्विस करते, क्या वेस्टिज करना इलीगल है कि इलीगल है? अनम्यूट अनम्यूट संजीत अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट कर ले। सॉरी ये पूरी तरह लीगल है क्योंकि यहाँ पे आप बन रहे हो और यहाँ से जो भी कम कमा रहे हैं आप वो आफ्टर डिडक्शन हो रहा है टीडीएस, तो गवर्नमेंट की इस बात से कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि आप सरकार के काम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे, मतलब तो सरकार के साथ अगर ये कोलाइड नहीं करे तो यू कैन डू इट, नो इश्यूज फॉर। ओके थैंक यू संजीत। सेकेंड सवाल है ये बहुत एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा जिस थोड़ा सा छोटा करके समझाता हूँ। बॉडी के मतलब वेस्टिज प्रोडक्ट के अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स व्हिच इज हार्मफुल फॉर बॉडी राइट, मतलब ये लोगों का कहना है कुछ, मतलब उनके जो अंकल है उनका कहना है कि वेस्टिज की जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्रिजर्वेटिव्स है वो हार्मफुल है, और अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो दो साल तक ये अगर प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है तो 2 साल तक ये प्रोडक्ट कैसे टिकता है राइट, तो इफ यू कैन जस्ट गाइड अस। वेल मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको, एफएमसीजी कैटेगरी में कुछ भी बिकता है तो विदाउट प्रिजर्वेटिव ये नहीं बिक सकता। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपके घर में अचार बनते हैं उस अचार में भी नमक और जो तेल डाला जाता है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है, और जो हल्दी डाली जाती है वो एंटीबैक्टीरियल के रूप में डाली जाती है। तो बिना प्रिजर्वेटिव के कोई भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए रखा नहीं जा सकता, किसी न किसी फॉर्म में उसे डालना पड़ता है। वेस्टिज के सप्लीमेंट्स में हम लोग ग्रास सर्टिफाइड प्रिजर्वेटिव डालते हैं, आपने गौर किया होगा ग्रास का बताता जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ, ये यूरोपियन क्लास के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस में होते हैं, जो इसीलिए डाली जाती है कि जो हमारे पाउडर्स जो कैप्सूल्स में हमने डाल रहे हैं ये पाउडर्स में किसी तरह का बैक्टीरिया या फंगस डेवलप ना हो, क्योंकि जैसे ही ये बैक्टीरिया और फंगस पाउडर्स में डेवलप होंगे ये इनकी गुणवत्ता को कम कर देंगे, और कैप्सूल फॉर्म में भी हमें इसे डालना ही पड़ता है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये पूरी तरह सेफ है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर लॉन्ग टाइम कंजम्पशन, क्योंकि आज पिछले 15 सालों से वेस्टिज में लोग जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे सप्लीमेंट्स खाते हैं तभी वो जुड़े हुए हैं। तो 15 सालों तक आप स्कोर कर सकते हैं, कोई भी सप्लीमेंट खाने के बाद भी आज तक कोई भी इस तरह का हमारे पर मेडिकल टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई आज तक हमारे लोगों को, ठीक है? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई पूछते हैं तो ये पूरी तरह सेफ है, बिल्कुल हाँ प्रिजर्वेटिव्स हैं लेकिन ये यूरोपियन क्लास के हाईली रिकॉग्नाइज प्रिजर्वेटिव्स हैं। With this answer actually और एक सवाल उनका ही है, उनका कहना है कि फूड सप्लीमेंट हम लोग कितने दिन तक यूज करें, और जब फूड सप्लीमेंट यूज करें तो इज इट पोटेंशियल टू स्टॉप मेडिसिन, मतलब मेडिसिन बंद कर सकते हैं या फिर सप्लीमेंट को कितने दिन तक यूज करना चाहिए होगा ताकि हम लोग मेडिसिन ना ले, ऐसा समझ गया? मैं समझ गया। देखो मैं ये सवाल अक्सर हमारे बीच सामने आता है जब भी हम कभी मीटिंग्स वगैरह करते हैं लोगों से मिलते हैं, तो ये सवाल अक्सर आता है कि सर कितने दिन खाना है। मैं उनसे कई बार एक ही सवाल पूछता हूँ, सर रोटी कितने सालों से खा रहे हैं, भात कितने सालों से खा रहे हैं। देखो फूड सप्लीमेंट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर डाइट जो मिसिंग है। तो मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा, सॉरी मैं नाम भूल गया जो उन्होंने ये सवाल पूछा था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो सप्लीमेंट्स है दीज आर सप्लीमेंट्स, यानी कि ये फूड में जो कमियां रह गई है उसको फुलफिल करने के लिए बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द डिजीजेस, जैसे कि आप कह लो कि डायबिटीज में हमें जिंदगी भर खाना पड़ता है या कई सारे हाई ब्लड प्रेशर में हमें जिंदगी भर पड़ता है, तो क्या हमें सप्लीमेंट उतने दिन खाना होगा? मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाए कि वो अपने बॉडी में शरीर के अंदर ही इंसुलिन बनाने लगे, अगर आपकी शरीर इतनी मजबूत हो जाए कि वो आपके शरीर के अंदर ही बुरे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर कर सके, तो आपको इन सप्लीमेंट्स को रेगुलर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपने डाइट पे ध्यान रखना होगा, लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको आगे चल के ना दवाई खानी पड़ेगी ना सप्लीमेंट्स खाना पड़ेगा। जो हमारे हेल्दी दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट आप लगातार मत खाइए, जो हमारे स्वस्थ दोस्त जो सब प्रिवेंशन के लिए खा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने सप्लीमेंट्स के पैकेजेस तैयार कीजिए कि कभी आप नोनी स्पिना खाइए तो कभी आप गैनोडॉर्म खाइए, तो मैं कहूंगा कि आप प्रोडक्ट्स को घुमाते रहिए। उससे क्या होगा कि आप वेस्टिज में जो आज के लगभग 35 से 40 सप्लीमेंट्स हमारे पास है ये सारे आप खा सकोगे, आपको इन सबके फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा, और सबसे बड़ी बात ये आपकी बॉडी के साथ काम भी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके घर में रोज मटन नहीं बनता या रोज चिकन नहीं बनता, कभी मटन बनता है कभी चिकन, तो कभी अंडा कभी मछली भी बनती है,
और मछली में भी हमारे बंगाली राजीव सर और शंकर जी सर भी हैं, तो मछली में भी हम हर रोज एक जैसा मछली नहीं खाते, कभी कुछ कभी साले, कुछ कभी साले साले तू भी है तो जो भी है, तो ये हम स्विच करते रहते हैं, तो सप्लीमेंट्स भी हमें इसी तरह स्विच करते रहना चाहिए, बिल्कुल हाँ। लेकिन एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, मिनिमम डाइट 90 डेज का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेल रिजुवनेशन साइकिल है, मतलब हमारी जो कोशिकाएं रिजुवनेट होते दोबारा तैयार होती हैं, वो 90 to 120 डेज का होता है, मतलब 3 से 4 महीने का होता है। तो आप कोई भी सप्लीमेंट कंटिन्यू स्टार्ट करो तो कम से कम 90 डेज खाओ, उसके बाद आप स्विच करो, दैट्स द बेस्ट वे। तो पैकेज तैयार कर लीजिए 3-4 डब्बों के और आप स्विच करते रहिए, दैट्स द बेस्ट वे टू टेक द सप्लीमेंट्स। ओवर टू राजीव। कुंडू, मैं एक चीज समझ नहीं पाता हूँ, ये जो लोग हमें सवाल पूछते हैं कि कितने टाइम से लेना चाहिए और इसको लेने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, भाई कम से कम हमको, हमें देख के तो विश्वास कर लो भाई, 12 साल में अगर मैं मरा नहीं और 12 साल में मैं अगर हर रोज 8 से 10 घंटा का ट्रेनिंग कर सकता हूँ विदाउट एनी एनर्जी डाउन, तो यार कुछ तो इससे तो कुछ देखो, जीता जाता लाइव एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, जितने भी लोग आप कर रहे हो, ईच एंड एवरी वी आर यूजिंग द ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रेगुलर बेसिस में ले रहे, कुछ होता तो 12 साल पहले हमें हो जाता यार। और क्या संकुचित कर जान देने के बाद समझ में आएगा तुम लोगों को, आपके बच्चे की जान लोगे यार। हाँ सही है, एक्चुअली नहीं, जोक सपाट यार, दिस इज नहीं, ये सब चीजें बहुत छोटा छोटा चीज है, माइनर, बहुत माइनर चीज है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा समझ में आ रही है इस क्वेश्चन सेशन के अंदर, एज बिकॉज राजीव वी आर फेसिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ईच एंड एवरीवन, एज बिकॉज इन आवर एजुकेशन सिस्टम हमें कभी भी इन चीजों के बारे में पढ़ाया नहीं गया, इन चीजों के बारे में बताया नहीं गया, तो कोई भी काम होता है ना, अगर कंटिन्यूसली उसको करते हुए जाते हैं तो इट्स बिकम अ हैबिट एंड हैबिट्स बिकम अ रिचुअल वंस अपॉन अ टाइम। सो सप्लीमेंट यूज ना करने की एक रिचुअल या फिर कोई चीज जो कैप्सूल के अंदर है इसको यूज ना करने की एक रिचुअल बन चुका है हमारे देश के अंदर। तो धीरे धीरे इस चीज को बदल रहा है और करोना मैया की आशीर्वाद से लोगों के दिमाग में इतना तो पहुंच चुका है कि अभी सप्लीमेंट यूज करना है। तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा कोरोना से, जो फायदा हमें सबसे ज्यादा आएगा कि लोग इस कल्चर के अंदर लोग हैबिट पैदा करेंगे, एंड आई थिंक आने वाले 8-10 साल के बाद इट्स बिकम अ रिचुअल टू ईच एंड एवरी फैमिली कि सुबह का शुरुआत से लेकर रात को और एंड तक आप सप्लीमेंट जरूर यूज करोगे, ऐसा दिन भी आएगा। शंकर जी एक बात मुझे याद आ गई, मैं बोलना चाहूंगा सभी के लिए, मुझे बचपन की बात याद आ गई, बीइंग अ बंगाली हमारे यहाँ पे कल्चर था कि जब नीम के नए पत्ते उगते हैं तो जब नीम के नए पत्ते निकलते हैं तो या तो उसको आप फ्राई करके या पेस्ट करके या किसी ना किसी फॉर्म में उसको खाना रहता था गर्मी के ठीक पहले। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बसंत पंचमी की बात आती थी यानी कि सरस्वती पूजा की बात आती थी तो हल्दी लगा के ही नहाना है, बिना हल्दी और तेल के नहाना नहीं है क्योंकि वो स्किन की गंदगी को निकालेगा। कई सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे कल्चर में थी, बच्चों को दूध बिना शहद और हल्दी के कभी नहीं खिलाया जाता था, कभी हम चीनी की बात ही नहीं करते थे। और आज भी देखिए तो कोई भी जो धर्म अनुष्ठान होते हैं जो हिंदू धर्म में सही से होता है उसमें चीनी का उपयोग नहीं होता, गुड़ का उपयोग होता है, शक्कर का उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने सप्लीमेंट्स को भूल चुके हैं, हम अपने आयुर्वेदा को भूल चुके हैं। अब कोरोना, बिल्कुल सही कहा शंकर जी ने, जय हो कोरोना मैया की, बिल्कुल आज आप देख लो जितनी भी बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियां हैं हर कंपनी अब सप्लीमेंट में उतर चुकी है, हर कंपनी कुछ ना कुछ फॉर्म में अलग अलग आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स बना रही है। तो यही समय है कि आप सही तरीके से अगर लोगों को ये प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करोगे उनको समझ में आएगा कि क्या जरूरत है। ग्रेट, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। मैं संजीत के पास फिर जाऊंगा। संजीत, एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं, एक छोटा सा चैलेंज जो फेस कर रहे हैं, मतलब ये मेरे ख्याल से ये बहुत लोग फेस करते हैं और इसके लिए आई थिंक इट ये सही जगह है, ये सही प्लेटफॉर्म है इसको एक्चुअली डिस्कशन करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल के ऊपर जवाब मिल जाएगा। और ये सवाल एक्चुअली सिलीगुड़ी से छाया चौधरी का है, उनका कहने कि फ्लिपकार्ट अमेजन में जो प्रोडक्ट्स वेस्टिज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं लोअर रेट पे विथ हायर डिस्काउंट्स एंड ऑल, इससे डाउनलाइंस को प्रॉब्लम्स होता है और इसको हम लोग मतलब किस तरीके से देखें और इसको कैसे सुन। थैंक यू राजीव। नया प्रोस्पेक्ट के पास भी जाते तो लोग ऐसे ही सवाल करते कि तुम्हारे पास तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन फ्लिपकार्ट अमेज़न पर वेस्टिज का प्रोडक्ट ही मिलता है,
लेकिन सस्ते दाम में मिलता है. सो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन एंड हैंडल इट. राजीव एक चीज, छाया जी आपका सवाल बहुत बेहतर है नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए. ये ब्लैक स्पॉट है, टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत दुखदाई बात है कि ये चीजें नेटवर्क में हो रही हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रही, लगभग हर कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है. मैं एक चीज कहना चाहूंगा फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूटर, जनरल कंज्यूमर्स, आप एक चीज गौर किए होंगे कि एक कपड़ा जो शोरूम में बिकता है उसी तरीके के डिजाइन के कपड़े सड़क पे ही बिकते हैं. दाम में हमेशा फर्क होता है, शोरूम हमेशा सही दाम लेता है और सड़क पे जो बिकते हैं उस कम दाम में मिलते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं होती, उसकी प्राइसिंग की कोई गारंटी नहीं होती, और उसमें कोई भी रिफंड या बाई बैक वाली बात भी नहीं होती. देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो नेटवर्क में फ्लिपकार्ट वगैरह में बिक रहे हैं, सबसे पहली बात उसकी क्वालिटी की कोई भी गारंटी नहीं है. मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, क्योंकि वेस्टीज साफ साफ ये कहता है, सिर्फ वेस्टीज ही नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्प है, उन्होंने कई सारे ऐसे टेस्ट मतलब आपके आर्टिकल्स इशू किए हैं न्यूज़पेपर पे भी और बाकी जगहों पे भी, एफिडेविट जमा किए कोर्ट में कि कोई भी प्रोडक्ट जो ऑनलाइन खरीदा जाएगा ये प्रोडक्ट पे हमारी तरफ से कोई भी गारंटी नहीं. दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि नए प्रोस्पेक्ट्स को समझाने में दिक्कत होती है, मैं यहीं पे शंखजीत की बात दोबारा समझाना चाहूंगा कि बीइंग अ लॉयल कंज्यूमर इज मोर इम्पोर्टेंट फर्स्ट. अगर बंदा आपका लॉयल कंज्यूमर बन जाएगा तो आप उसके लिए अगर आप उसको समझाओगे तो आराम से आपके प्रोडक्ट्स ही लेगा, वो ऑनलाइन नहीं खरीदेगा. ये बहुत समझने वाली चीज है, तो आपको ये समझाना है कि पहले वो लॉयल कंज्यूमर बने. अगर कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है तो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर तभी बनता है जब उसके सपने होते हैं, और जिसके सपने हैं वो कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा खरीदने के लिए, उसके पास जवाब रेडी रहेंगे. मैं एक मोटा मोटी आपको यही समझाना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमने कई सारे लीगल केसेस फाइल करके रखे हैं, साथ ही साथ हमने ये भी कह हमने ऑलमोस्ट 15 से 20 लोगों को जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स खरीद के यहाँ पे बेचते थे हम उनको टर्मिनेट भी किया है और उनको लीगल नोटिसेस भी दिया है. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सॉरी ऑनलाइन मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स उनके नाम से नहीं बल्कि एसकेयू से ढूंढे जाते हैं, और जिसकी वजह से अमेजन या फ्लिपकार्ट या ये कंपनियां इनके एसकेयूज को ब्लॉक नहीं कर पा रही है, क्योंकि जैसे ही हम एक को ब्लॉक करते हैं अगला वाला दूसरे एसक्यू के नाम से उसको बेचता है, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें हम तो लड़ रहे हैं उसके तरफ से, आपको एक ही बात से लड़ना है कि प्रोडक्ट जो यहाँ बिक रहे हैं उनकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, एक्सपायरी डेट कोई कंफर्मेशन नहीं है, और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स को खरीदने से आपको आपके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखेंगे. शंखोजीत अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे. कुछ ऐड करूंगा इसमें. दोस्त वेस्टीज ज्वाइन करने का आपका पर्पस क्या है? वेस्टीज ज्वाइन करने का आपका पर्पस क्या, प्रोडक्ट यूज करना है, या फिर यहाँ से आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आए हो, आपका फ्रीडम चाहिए आपके लाइफ के अंदर, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, क्या पर्पस क्या है आपका? इफ यू आर अ कंज्यूमर, आपका अगर पर्पस है प्रोडक्ट को यूज करना, यू आर वेरी मच ट्रू, यू वेरी मच राइट कि एज पर द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव अ फुल राइट कि हमें जहां से प्रोडक्ट सस्ते में मिले, जहां से कम में मिले, हम वहां से परचेस करेंगे. मार्केट जाते हैं, जैसे कि अगर मास्टर ऑयल खरीदना है, हम मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं, मार्केट में हमारे पास सजा हुआ रहता है, ये 80 रुपया किलो, ये 90 रुपया किलो, ये 100 रुपया किलो, 120 रुपया किलो, वी चूज आवर सेल्फ, इस महीना ये लेना है, उस महीना वो लेना है, इस महीना ये लेना है, हम लेके आ जाते हैं, एज बिकॉज आई एम अ कंज्यूमर, सो आई हैव अ फुल राइट फॉर द चूजिंग द प्रोडक्ट, जहां से सस्ता मिलेगा, जहां से मुझे अच्छा लगेगा, मैं वहां से खरीदूंगा, पैसा मेरा है, किसी का मात मैं सुनूंगा नहीं. लेकिन अगर आपका पर्पस है यहां से अपने सपने को पूरा करना, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम लाना, आपके जिंदगी को उन्नति करना, आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी टुवर्ड्स दिस नेशन, तो आप इस बिजनेस को कर रहे हो, आप वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए. और बिजनेसमैन का सर एक ही चीज कहना है, तेरा है फिर भी मेरा है, जो भी है ये मेरा है. एप्पल का फोन कितना भी अच्छा हो जाए, वीवो के मालिक कभी एप्पल फोन यूज नहीं करेगा. रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी कुछ भी हो जाए, वो वोडाफोन या एयरटेल की कनेक्शन यूज नहीं करेगा. मित्तल सर वो वोडाफोन या जियो यूज नहीं करेगा, वो एयरटेल ही यूज करेगा. रामदेव बाबा कोलगेट से अपने दांत नहीं मांजेंगे, वो अपना पतंजलि के पेस्ट से ही दांत मांजेंगे. पता है क्यों? क्योंकि ये लोग
बिजनेस मैन हैं, ये कंज्यूमर नहीं हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट, हम क्या बोलते हैं, जैसे संजीत ने आपको कहा ना कि जॉब हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट या कंज्यूमर इंपॉर्टेंट, ज्वाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्वाइनिंग विदाउट अ कंज्यूमर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ज्वाइनिंग तो कर लिए, ऐसे ज्वाइन होने के नाम पे आपने 2000 लोगों को ज्वाइन कर लिया, चेक आएगा, बिजनेस होगा। चलो मैं ज्वाइनिंग नहीं किया लेकिन मेरे पास 50 कंज्यूमर है जो एवरी मंथ 5000 का सामान खरीदता है, मेरा बिजनेस होएगा। तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वी नीड ज्वाइनिंग पीपल, लेकिन वो लोग जो पहले लॉयल कंज्यूमर है। इसलिए इस बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले कंज्यूमर बनाओ, उसके बाद लॉयल कंज्यूमर बनाओ। लॉयल कंज्यूमर आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया में लोग बिस्किट को ब्रिटानिया के नाम से जानते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं कुछ कंपनीज के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, एंड दिस ऑल आर द फेमस ब्रांड, आर वेरी रिनाउंड ब्रांड, राइट। तो लोग यहाँ पर बिस्किट को ब्रिटानिया के नाम से जानते हैं, लोग दुकान में जाके बोलते हैं ब्रिटानिया दो। लोग यहाँ पर टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से जानते हैं। हम वेस्टिज ऑफिस में देखे हैं यार, बहुत बारी लोग आते हैं, दो कोलगेट बिल कर दीजिएगा। दे नीड अ डेंटिस्ट श्योर, बट दे सेड कीप कोलगेट, एज बिकॉज पेस्ट को लोग कोलगेट के नाम से जानते हैं। लोग यहाँ पर नूडल्स को मैगी के नाम से जानते हैं, पता है क्यों? कि दे आर क्रिएटिंग अ ब्रांड वैल्यू, दे हैव अ लॉयल कंज्यूमर बेस। वो लॉयल कंज्यूमर उस ब्रांड की रक्षा करता है। ऐसे लॉयल कंज्यूमर आपको चाहिए। जब लॉयल कंज्यूमर बनेंगे उसके बाद अगर वो ज्वाइनिंग करता है ना, वो भले आपके बिजनेस एक्सपेंड करे चाहे ना करे, लेकिन एज ए लॉयल कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट खरीदते हुए जाएगा। एंड इट्स अ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। कंज्यूमर को एम्पावर करो, मार्केट से खरीद के उसको सिर्फ छोटा फायदा आएगा, ऑनलाइन से खरीद के उसको सिर्फ 10 रुपया 20 रुपया कम आएगा, लेकिन यहां से खरीद के उसके जीवन का चेंज होगा। तो व्हाट इज द पर्पस? अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप वेस्टिज से ही प्रोडक्ट खरीदोगे। ओवर टू राजीव, हमारे पास और भी सारे सवाल होंगे राजीव। जो मैं आपको बाद में पूछता हूँ संजीत, ये कोहट मतलब ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट से है, अलकेश प्राण महांतो, राइट, महांतो। एक सवाल है कि फॉर न्यू अचीवर विल देयर बी एनी रिकॉग्निशन प्रोग्राम थ्रू ऑनलाइन? देखिए अभी तो इसके लिए हमने सोचा नहीं है, लेकिन जिस तरह के कंडीशंस हैं, वेस्टिज हमेशा इनोवेट करता है, हम जल्दी आपके लिए ऑनलाइन रिकॉग्निशन भी करेंगे। यस, वी विल डू। सर मेरा यहाँ पर एक सजेशन होगा, छोटा सा एक सजेशन दे देता हूँ सर, क्योंकि हमारे पास फाइनल लिस्ट बन के, मतलब कितने लोगों ने अचीव किया है, क्या लेवल अचीव किया है, इसका लिस्ट बन के आने में हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो पे आउट के साथ रिलेट होता है। तो पे आउट जब बनता है उसके बाद ही वो लिस्ट जनरेट होता है। तो इट विल बी अ माय सजेशन, बिजनेस आपका है तो कुछ काम आप भी अपने टीम के लिए कर सकते हो सर। आपकी टीम में जितने लोग हैं आपको पता चल जाता है एट द डे ऑफ क्लोजिंग कि आपके कितने लोगों ने अचीव किया है। नेक्स्ट दिन आप एक फेसबुक लाइव करो या जूम पे मीटिंग करके उसको फेसबुक लाइव कर दो, जैसे कि हम ये प्रोग्राम को कर रहे हैं, और वहां पर उन लोगों की सेलिब्रेशन करवाओ, रिकॉग्निशन करवाओ सर। तो ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको कर सकते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सेशन है, एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। ऑब्वियसली हम लोग कुछ सोच रहे हैं इसके ऊपर, कुछ जरूर सोचेंगे, आइडियाज निकालेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड ये सेशन आप तब तक के लिए यूज कर सकते हो। यस राजीव, नेक्स्ट संजीत, joining a prospect of other state, what process to be followed? Other state? अच्छा, prospects from other states. देखो जैसे शंकर जी सर ने एक बार पहले भी मालदा के आम की बात बताई थी कि भाई पेड़ लगाओगे तो वहां पे जाना ही पड़ेगा। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, फॉर न्यू एटलीस्ट जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लेस देन ब्रांच डायरेक्टर्स हैं, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जब भी ज्वाइनिंग की बात आती है, आप ये कोशिश करो कि जितना हो सके ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पे रोज दिन 2-3 घंटे में एक बार में जरूर पहुंच सकते हो कभी भी। जितना आप शुरुआत में पहले 1-2 महीने आप कंसंट्रेट करोगे अपने आसपास के घर, होम टाउन के आसपास, तो क्या होगा कि आपके पास ज्यादा समय होगा खुद को सीखने के लिए और एक बिजनेस और नॉलेज को एम्पावर करने के लिए दूसरों को। रही बात अदर स्टेट्स की, बात करें एक लेटर स्टेज में, आप अदर स्टेट में जाओ, वेस्टीज एज ए कंपनी आपने गौर किया होगा, हर महीने हम मोर देन
20,000 हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं मोर देन, यानी ऑन एन एवरेज हर रोज हमारे 6 से 7 मतलब 500 से 600-700 ट्रेनिंग्स होती हैं हर रोज। इसका मतलब हो गया क्या कि आपके उस स्टेट में हर महीने 1 या 2 ट्रेनिंग तो जरूर होंगी जहां पे आप बनाओगे, तो आप वहां पे अपनी टीम को भेज सकते हैं जो फ्री ट्रेनिंग्स होती है CNTs के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया है, जिसमें ये जूम ट्रेनिंग जो हम अभी कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए भी। मैं आपको बताऊं कि मैं संकचित और राजीव आपस में एक साथ एक दूसरे को चेहरा देखे हुए हमें 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे। इस जूम ट्रेनिंग की वजह से हम लगभग हर रोज मिल पा रहे हैं और हर रोज हम आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए और बेहतर कर रहे हैं सिस्टम को, ट्रेनिंग सिस्टम को, हर चीज को। तो ये एक बहुत फायदा है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, अपनी टीम को जूम के माध्यम से ट्रेनिंग कर सकते हो और ऑल अक्रॉस इंडिया हमारे 3,500 ब्रांचेस और डील्स हैं, आप वहां से प्रोडक्ट दिलवा सकते हो। तो ये तरीके से आप अदर स्टेट में भी काम बहुत आसानी से कर सकते हो आज के डेट में, अदर स्टेट ही नहीं अदर कंट्रीज में भी आप काम फैला सकते हो। थैंक यू। थैंक यू बोल के खत्म करने नहीं देंगे संजीत, तेरे लिए और एक सवाल है। अच्छा। और वो एक्चुअली आसाम का बहुत है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट को लेके, आसाम के बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पता नहीं है। नो कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल नहीं है। कोई सजेशन कुछ कहना चाहोगे ताकि लोग बिजनेस कर पाए? देखिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं मैं जानता हूँ आप में से ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और जिंदगी हमेशा हमें हर कुछ नया सीखने की मदद करती है या फोर्स करती है, या तो जबरदस्ती सिखाती है या मदद करती है। तो ये एक मौका आया है जब आप कुछ नया सीख लो, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन पेमेंट करने में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में, आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, उनके साथ समझो, उनके साथ बात करो, वो जरूर आपको बताएंगे। वेस्टीज ने जो पेमेंट ऐप बना रखा है अपना, जो हमारा तरीका बना रखा है पेटीएम के माध्यम से वहाँ पे पेमेंट रिसीव करते हैं, वो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज तक कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं हुई है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मतलब पेमेंट हुआ है और उनका पेमेंट रिजेक्ट हो गया हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ या पेमेंट ज्यादा कट गया हो। तो बहुत सिंपल हमने बना रखा है, बाकी के कंडीशन अगर कंपेयर किया जाए तो आप उसके माध्यम से कर सकते हो। देखो वेस्टीज आपको एक ओमनी चैनल तरीका देता है जहाँ पे आप ऑनलाइन बिलिंग करके ब्रांच से भी रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं आपके POS के माध्यम से अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, आप घर में बैठे बैठे ऑर्डर कीजिए और आप अपना सेलेक्ट कीजिए DLCP जो आपका नजदीक है या मिनी DLCP, और आप डायरेक्टली वहां पे जाके पेमेंट करके कैश में आप उससे रिसीव कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज जो वेस्टीज आपको दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए बैठा रहना पड़ेगा। हाँ, इनकेस ऐसी कहीं पे है जहाँ पे DLCP नजदीक नहीं है, आप अपलाइन को फोन पे लीजिए, डायरेक्ट उनको फोन पे लेके बिलिंग कीजिए और उसके दौरान आप पूछिए। अगर किसी के पास मेरा संपर्क है आप उससे भी बात कर सकते हो, नो इश्यूज। हमारे एरिया मैनेजर्स अलग अलग हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, तो देयर फॉर योर हेल्प। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप चाहो तो कैश भी डिपॉजिट कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात ब्रांचेस विजिट कर सकते हो और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। महातो का और एक सवाल है जो एक्चुअली कोरिलेटेड है कुछ चीजें, और उसको कोरिलेटेड पार्ट में बाद में बोलता हूँ। उनका कहना है कि टीम को अपग्रेड कैसे करें ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर। तो सर हमारी इतने सारे ट्रेनिंग्स हो रहे, तो मैं चाहूंगा कि लोगों को जूम की ऐप डाउनलोड करवाओ और लोगों को अपने डाउनलाइंस को ना इसके बारे में और भी एडुकेट कीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि आने वाले दिन में जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है आई थिंक This will take us through a long way. ये थोड़ा सा time चाहिए होगा हम लोग को normal mode पे आने के लिए, और online training करवाना बहुत important है अपने downlines को। Last but not the least, actually ये second last सवाल है और शंकुजीत को पूछना चाहूँगा। शंकुजीत, are you there in line? I am there. Okay dear. Actually अलकेश प्राण महातो का सवाल भी है और झारखंड से हमारे क्राउन डायरेक्टर है शिवु वर्मा, उनका भी सवाल है। मतलब इट्स एक्चुअली वेरी कॉमन, राइट? तो इसीलिए मैं एक साथ ही बोल रहा हूँ। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल, मतलब ऑनलाइन पे प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रहे, इसको लेके रिपर्चेस भी इफेक्टेड हो रहा है, तो लोगों को कन्विंस कैसे करें इस चीज के लिए, और लोगों को मोटिवेट कैसे करें, लोगों को प्लान कैसे दिखाए और भी, ताकि बिजनेस में ज्यादा इफेक्ट ना हो। इफ यू कैन गाइड अस थ्रू दिस क्वेश्चन। Definitely, Rajiv. And it's a really major concern right at this moment. क्योंकि
बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग है, वी आर ऑल्सो नोट दिस, मेरे पास रेगुलर बेसिस में फोन आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस में मैं सेंटर मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ एंड बहुत सारे पेंडिंग्स अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, आई नो इट वेरी वेल. ऐसे भी है दोस्त कि वी आर ऑल्सो शॉकिंग न्यूज की सम ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द मार्च इज स्टिल पेंडिंग, राइट. तो ऐसे भी कुछ जगह है. एज यू आर टॉकिंग फ्रॉम द झारखंड, तो झारखंड से आप बोल रहे हो सर, झारखंड में हमारे पास जो डेटा है मार्च का, तो ऐसा कोई आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ नहीं होगा. अप्रैल का आपके पास पड़ा हुआ है और अभी जो आपका डिलीवरी टाइम लग रहा है, दैट इज नियर अबाउट 10-15 डेज का टाइम आपको लग जा रहा है. सम प्लेसेस लाइक कोलकाता, इन कोलकाता में ऐसे भी है सर कि मार्च का 20 तारीख या 21 तारीख को ऑर्डर दिया गया था, अभी तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुए. तो दिस आर द सिचुएशंस, हमें पता है एंड इट्स अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में पहले तो ना आप कभी परे हो ना सर हम कभी परे हैं, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी तैयार नहीं हुआ था इस चीज को पढ़ने के लिए. इवन इफ अगर देखो जब सरकार ने जो लॉकडाउन किया सिर्फ एक चीज के लिए ही लॉकडाउन किया, ताकि सरकार को कुछ समय मिले कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए. क्योंकि अगर लॉकडाउन को उठाया जाता है तो कोरोना वायरस अभी इतनी तरह खत्म ना होने वाली एक चीज है, और इसको जितने तरह से लॉकडाउन को हटाया जाएगा, जितने मूवमेंट्स बढ़ेंगे लोगों में, ये और बढ़ेगा, राइट. लेकिन सरकार ने ये लॉकडाउन की स्थिति एक महीना डेढ़ महीना दो महीना तक लगाई, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जिंदगी भर हम लॉकडाउन नहीं चला सकते हैं, वी हैव टू ब्रेक इट. कभी ना कभी तो इसको तोड़ना पड़ेगा, कभी ना कभी तो हमें लोगों को ओपन करना पड़ेगा. जब लोगों को ओपन करेंगे तो मे बी ये वायरस और भी ज्यादा स्प्रेड होगा. अगर आप अपने को बचा सकते हो तो बचा लो, जैसे कि संजीत ने कहा था कि यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, आपका फेस मास्क रखो, जब भी खाना खाओ, कुछ भी कर रहे हो हाथ हो रहे हो. और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में कोरोना वायरस देखा जा रहा है, दैट इज नॉन सिम्टोमेटिक, यानी कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, आपके शरीर में पॉजिटिव है लेकिन फिर भी आपको बुखार नहीं होगा, आपको गला नहीं दुखेगा, आपका कोई तबियत खराब नहीं होगा, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा. जैसे नॉर्मल बहुत सारे वायरस हमारे शरीर में पनपते हैं, कोरोना भी हमारे शरीर में पनप रहेगा अगर मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है. तो सरकार ने ये जो लॉकडाउन की स्थिति किया, ये इसीलिए किया ताकि सरकार को कुछ वक्त मिल जाए, कुछ समय मिल जाए चीजों के ऊपर सोचने के लिए, एज बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू सिचुएशन जो आज तक दुनिया में किसी ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है. सिमिलर थिंग सर हमारे साथ भी हो रहे, ये सिचुएशन हमने भी कभी फेस नहीं किया, इट्स अ टोटली न्यू सिचुएशन. इस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव किया जाएगा, इस सिचुएशन में किस तरह से काम किया जाएगा, हमें भी टाइम लग रहा है, हमें भी समय लग रहा है इन चीजों को सोचने के लिए. कुछ पाबंदियां हैं, देखो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे सीधा बोल सकते हो सर कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को मेरा ऑर्डर दिया हूं, मेरे को मेरा प्रोडक्ट चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड वी आर वेरी मच अपोलोजाइज फ्रॉम द एंटायर फैमिली ऑफ वेस्टिज कि आपके इस मत को हम लोग अभी सम्मान नहीं दे पा रहे, इसलिए हम लोग क्षमा पाती भी है. लेकिन सर जैसे हम एक कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, और हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर, उससे भी अगर पहले प्रायोरिटी को देखा जाए तो हम सर एक इंसान हैं, और इंसान के अंदर इंसानियत बोल के एक बहुत बड़ी चीज होता है, इसलिए हम इंसान हैं क्योंकि हम में इंसानियत है. अगर थोड़ा सा भी हम इंसानियत के ऊपर सोचने की कोशिश करें तो क्या वेस्टिज या फिर कोई भी लोग जानबूझ के आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करने में डिले कर रहे हैं? नहीं ना, कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं. वेस्ट बंगाल में मेरे को जितने भी लोग फोन करते हैं, 90% लोग उस एरिया से होते हैं जिसका नाम है हावड़ा. बाहर से भी मेरे पास बहुत फोन आते हैं. अच्छा, स्पेशली हावड़ा से क्या कोई वेस्टिज का कोई दुश्मनी है कि हावड़ा में जितने लोग है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है? ऐसा तो नहीं मेरे दोस्त. लेकिन हावड़ा से ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आते हैं? 90% कॉल, मेरे पास अगर 10 कॉल आएगा तो 9 आएगा सिर्फ हावड़ा से. एज बिकॉज हावड़ा द मोस्ट डेंजरस जोन इन वेस्ट बंगाल. बैंक बंद है, अस्पतालें बंद है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सारे के सारे जगह पे लॉकडाउन किया हुआ है. अगर हावड़ा में अगर कोई घूम के आ जाता है ना आज के डेट में, तो लोग सिर्फ सोशल डिस्टेंशन नहीं, उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते. तो हावड़ा का है तो बात, लोग हावड़ा में फोन करना छोड़ दिए हैं. ये हावड़ा का फोन में भी थोड़ा वायरस आ जाएगा, ऐसा हालत हो चुका है लोगों का. तो दिस आर द सम प्लेसेस सर जहां पर रेस्ट्रिक्शंस हैं. रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऑफिस में, हमारे गोडाउन्स में. मेरा गोडाउन जहां पर है कलकत्ता के अंदर, वहां पर सिर्फ मैं 2 बंदे को भेज सकता हूं पैकिंग करने के लिए. ऑनलाइन ऑर्डर पहले अगर देखा जाए तो वेस्टिज के अंदर 10-20% आता था पूरी सेल में.
आज के डेट में 90% सेल होता है ओनली फॉर ऑनलाइन से बिलिंग। तो सोच सक रहे हो, पहले अगर हम लोग जितना प्रोडक्ट डिलीवर करते थे ऑनलाइन की ऑर्डर में, अगर पूरे महीने में अगर ऐसे 200-500 ऑर्डर डिलीवर करते थे, आज के डेट में वो हो चुका है 4,000-5,000। जहां पर 200-300 होते थे वहां पर 5,000। ये 5,000 चीजों को पैकिंग करने के लिए वी नीड अ मैन सपोर्ट। जो लोगों को चाहिए वो बाहर से आएंगे, उनको आने जाने का कोई साधन नहीं है, वो सारा का साधन बंद है। दो बंदे से ज्यादा वहां पर मैं भेज नहीं सकता, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्टेड जोन है, पुलिस आके वहां पर गोडाउन बंद कर देगा। अगर एक बार गोडाउन बंद हो जाए तो 15 दिन या 20 दिन में आपको प्रोडक्ट मिल रहे थे, वो आने वाले 2 महीने तक नहीं मिलेंगे। और दो बंदे सुबह से लेके शाम तक 500-600 प्रोडक्ट एवरी डे पैकिंग कर रहे हैं। सर, मैं और आप अगर चला गया ना तो 50 पैकिंग करते हुए हालत खराब हो जाएंगे। एवरी डे 500-600 पैकिंग, खाना नहीं खा रहे, लोग मेरे को बोलेंगे फोन नहीं उठाएंगे। अरे सर, पैकिंग करेगा कि फोन उठाएगा? खाना नहीं खा रहे, जा नहीं पा रहे, कंटिन्यूअसली पैकिंग किए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा ना तो उसको जो अपॉइंट किया है, उसकी जो मालिक है, वो उसको सैलरी नहीं देगा, उसको काम से निकाल देगा। और सिर्फ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, हम अपने जीवन को रिस्क में लेके, हम और आप घर में बैठे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखें, और वो हमारे को सर्विस देने के लिए अपने जीवन को रिस्क में लेके एवरी डे वहां पर जाता है, दिन रात 500-600 पैकिंग करता है, ताकि एंड ऑफ द डे में उसके बच्चे के पेट कभी खाली ना जाए, उसके बच्चों के पेट में कुछ खाना मिल सके। पैकिंग हो गया सर, अब डिलीवरी। जो कोरियर का बॉय डिलीवर करेगा उसका कोई प्रोटेक्शन है सर? कोई इंश्योरेंस देता है उसको कोरियर कंपनी? एक 25 रुपए का मार्क्स भी तक उसको नहीं दिया है। लोग रुमाल बांध के या बीवी का एक साड़ी का टुकड़ा लाके नाक पे बांध के वो हर घर घर में जाके डिलीवर कर रहा है। रस्ते में अगर उसको अभी कहीं प्यास भी लग जाए ना, एक कप चाय भी पीना है ना, कोई दुकान उसको खुला हुआ नहीं मिलेगा सुबह से लेकर शाम तक। और ऐसे ऐसे एरिया में जा नहीं पा रहा क्योंकि वहां पर लॉकडाउन है। अपने जीवन को रिस्क में लेके भी वो डिलीवर कर रहा है, क्यों? ताकि उसके परिवार चल पाए। हमें पता है सर, आज के डेट में आप भी जानते हो 30% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं आज के डेट में। 30% लोग सर, थोड़ा सा अगर इनके तरफ से हम सोचने की कोशिश कर रहे ना सर, तो प्रोडक्ट अगर डिलीवर रात में भी हो रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही है, इसके वजह से हो रहा है सर। सो मेरा एक ही अनुरोध है, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी प्रैक्टिकल हो, हम भी प्रैक्टिकल हैं, सब लोग सब जगह पे सही है सर, कोई गलत नहीं है। देरी हो रहा है, लेट हो रहा है, आपको दिक्कतें हो रही है, हम लोग सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांग सकते हैं सर इसके लिए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम, पूरी के पूरे लोग मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस में रात रात भर लोग रह रहे हैं क्योंकि घर आने का कोई साधन नहीं है, 2-3 दिन से ऑफिस में रह रहे हैं, और कंटिन्यूअसली आपके प्रोडक्ट को डिस्पैच करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने लॉग के साथ, अपने इनवॉइसेस के साथ उस एरिया के जो सेंटर मैनेजर से आप उनसे संपर्क करो, आपको वो बता देंगे कि कितने दिनों में आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएंगे। और ये हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कितने जल्द इसको और डिलीवर करवाया जाए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस राजीव, थैंक यू संकोजीत फॉर योर रिप्लाई। एंड रियली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि देखो, हम लोग तो घर में बैठे हम लोग बोल रहे कि प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा सबर कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं आप लोगों को अच्छे से सर्विस दे पाए, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली ए वेरी वेरी गुड रिसोर्स फॉर द कंपनी। लेकिन मैं अगले सवाल के साथ जाऊंगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, संजीत मैं आपके पास जाऊंगा। एक सवाल है जो एक्चुअली पिंटू कुमार जी ने पटना से दिया है। उनका एक सवाल है कि वेल्थ का मतलब होता है हेल्थ, वेल्थ और कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये विश यू वेल्थ बोलते, तो ये जो वेल्थ की बात करते हैं, ये जो वेल्थ की हम लोग बात करते हैं, तो वेल्थ के अंदर तो बहुत सारे हेल्थ, वेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? पिंटू जी, मैंने करियर पटना से शुरू किया। वेल्थ एक ऐसा शब्द हमने बनाया था जिसके पीछे लोग बहुत ज्यादा पागल हैं,
अब देखा जाए तो पैसे के पीछे लोग भागते हैं और जिसके वजह से उनका हेल्थ खराब होता है। तो वेस्टीज ने जब शुरुआत की सीएनटी ट्रेनिंग की, हम लोग हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी थे जिन्होंने ये कहा हेल्थ थ्रू वेलनेस, यानी एक ऐसा मतलब पैसा जो कि आपके वेलनेस के साथ है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम सप्लीमेंट्स पे काम करते थे, आज से नहीं पिछले 16 सालों से हम इसी पे लगे हुए हैं कि लगातार हम सप्लीमेंट्स पे काम करते हैं ताकि आपकी स्वास्थ्य अच्छी हो, और जब आपकी स्वास्थ्य अच्छी होती है तो आपकी आमदनी भी अच्छी होती है। तो इसीलिए हम इसको वेल्थ कहते हैं, यानी कि वेल्थ थ्रू वेलनेस। दो शब्दों को जैसे हमने कहते हैं संधि, हमने संधि कर दी दो शब्दों का, वेल्थ और हेल्थ को, वेलनेस एंड वेल्थ को करके हमने ये वेल्थ बनाया, जिसमें ये समझ में आता है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखोगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, और अगर लोग आपसे जुड़ेंगे तो आपकी आमदनी अच्छी होगी। तो सिंपल है, वेल्थ थ्रू वेलनेस। राजीव, थैंक यू सो मच संजीत, थैंक यू सो मच शंकरजीत फॉर योर एक्चुअली पार्टिसिपेशन, और जो भी आपने आंसर दिया इसकी इसको लेके। शंकरजीत आर यू ऑनलाइन? ओके, शंकरजीत आने से पहले बहुत सारे लोगों को मैंने चैट बॉक्स पे देख रहा था कि ये उन लोग को समझ में आ रहा कि हम लोग ये सवाल कैसे भेजे, और मतलब कैसे हम लोग ये सवाल को भेज पाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर हो सके तो, हो सके नहीं अगर जरूर आप फोटो उठा लीजिए इसका, और अपने डाउनलाइंस के अंदर सर्कुलेट भी कर सकते हो कि आपको कहाँ पे सवाल भेजना है। और सवाल भेजने का जो टाइम है वो संडे से लेके थर्सडे 12 बजे तक है, उसके बाद आपका सवाल ग्रांट नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आता है, और फ्राइडे के बाद अगर लेते तो हम लोग सवाल को इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है। सो हियर यू गो, आपके पास यहाँ पे तीन आईडी दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे तीन मेल आईडी दिखाई देगा, आप किसी एक में भेजोगे, किसी एक में भेजना। और राजीव शाह है जो मैं हूँ, और सोमो रंजन कौर जो उड़ीसा का ट्रेनर है, और प्रणव ठाकुरिया जो नॉर्थ ईस्ट का ट्रेनर है। सो आप ये तीनों मेल आईडी में से आप किसी एक में भेज सकते हो, और रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरे पास भेज रहे हो तो दूसरे का पास मत भेजो, और दूसरे का भेज रहे हो तो मेरे पास मत भेजो, क्योंकि ये बहुत जंपिंग हो जाता है कभी कभार, राइट। सो आई होप कि सबने नोट डाउन कर लिया इसको। चलिए, कमिंग टू द सेशन, शंकरजीत ऑनलाइन आई होप। सो थैंक यू सो मच शंकरजीत एंड संजीत फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स टू आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड आवर लीडर्स। और आई होप कि, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जो भी सवाल है, राइट, थोड़ा सा क्लियर हो गया, और भी शायद डाउट होगा तो आप भेज झिझक पूछिए, क्योंकि हम लोग जब इस सेशन के बाद, इस सेशन के अंदर बात करते हैं तो वो एक ही चीज हम लोग बोलते हैं, मतलब दिल की बात, आप हमारे मतलब आपकी दिल की बात होती है, राइट। और ये दिल की बात ना, आपका भी सवाल होता है दिल से, तो हमारे भी जवाब होता है दिल से। सो दिल की बात आपके सवालों के साथ जुड़े रहे हमेशा। एंड फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। अभी मतलब दो घंटा होने को आया, फिर भी लोग आर एक्टिवली लिसनिंग टू द सेशन, व्हिच इज रियली 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 अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू शंकरजीत। शंकरजीत थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच राजीव, एंड थैंक यू सो मच संजीत कि आप लोगों ने आए, और बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स आज हम सब लोगों को मिला। एंड थैंक यू द ऑल व्यूअर्स, क्योंकि आप लोग जब आते हो, आप लोग जब सवाल पूछते हो, ये हमें इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ अलग अलग करने का। बहुत सारे ऐसे चीज हमें पता चलता है जो हमें लगता है कि आपके लिए करना चाहिए, हम उसके ऊपर काम करते हुए जाते हैं। दोस्त, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से आपके सवाल भेजते हुए रहिए, क्योंकि इस शो का नाम ही है दिल के बात आपके सवालों के साथ। तो दिल खोल के सवाल पूछिए, हम तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए, हम सुनने के लिए बैठे हैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, लेकिन घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच।